बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एटीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान आप देख रहे हैं और मैं हूँ फरा सादिया। और जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना अता किया है। सो इस महीने में ज़रूरी है कि जब भी हम, जैसे हमें अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इतनी ताकीद, इतनी नसीहत जो की गई इस महीने की, तो उसका मतलब ही यही था कि जब आपको पहले से आगाह किया जाता है कि एक ऐसा माह मुबारक है जिसमें रहमत भी है, जिसमें मगफरत भी है, जिसमें आफ़ियत भी है, जिसमें जहन्नुम से निजात भी है, और एक ऐसी रात भी है जिसमें इबादत हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है, तो उसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को तैयार करना है। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हम किसी भी आने वाली अपॉर्चुनिटी, किसी भी आने वाले मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो वो तैयारी क्या होनी चाहिए कि ये माह मुबारक जब आन पहुंचा है और अल्लाह ताला ने हमें इसकी मुबारक घड़ियाँ नसीब की हैं, तो हम कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, ये सारी बातें हम आपके साथ ट्रांसमिशन में शेयर करेंगे। लेकिन उसमें जो एक बात मैंने सुनी है वो ये है कि आप भले किचन में काम कर रही हैं, आप भले अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप भले ज़िंदगी का कोई और ऐसा मसरूफियत है जिससे आप फौरी तौर पर जिस्मानी तौर पे इबादत में महव नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी ज़ुबान के साथ, अस्तग़फ़ार की कसरत के साथ, अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ इन मुबारक घड़ियों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आज हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ अब करेंगे और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे कारी बुज़ुर्ग शाह अल-अज़हरी। कारी साहब जो हैं जामियतुल अज़हर से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जितने भी हमारी रियासती तकरीबात होती हैं उनमें तिलावत के जो सआदत है वो हासिल करते हैं। सो कारी साहब, मैं दरख्वास्त करूँगी कि आपके तिलावत से हम अपनी आज की ट्रांसमिशन का आगाज करें। जी बेहतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم। آيات بينات کا بمحاورہ ترجمہ। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ों के दिन गिनती के चंद दिन हैं, तो जो शख़्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई शौक़ से नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो
تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ بہت شکریہ. سو جو آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں تھی. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کو اتنی حوث کے ساتھ اور اتنی حرص کے ساتھ اور اتنی جسے کہتے ہیں بیتابی کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ جو ہماری ہیں کھانا پینا کھانے پینے کی اشیاء روزہ جو ہے اس میں بھوک پیاس کے ذریعے دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو سارا سال ہمیں عطا رہتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کا ضیاع بھی نہیں کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں چونکہ یہ ماہ مبارک کو نسبت ہے نزول قرآن کے ساتھ اور اس کی عظمت جو ہے اس کا نسبت جو بیان کی ہے اللہ پاک نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو رمضان کی ہمیشہ اہمیت نزول قرآن کے حوالے سے بیان کی گئی. سو اس سے کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں وہاں ہم بھی تلاوت کلام پاک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک آپ تک پہنچا سکیں. سو آج اس حوالے سے بہت پیارے پیارے سے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جو حفاظ ہیں, ان میں سے زیادہ تر کچھ حفظ کر رہے ہیں ابھی, اور یہ خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور سو السلام علیکم, پہلے آپ مدثر آپ کا نام ہے بیٹے, آئیے گا روسٹرم پہ. سو تلاوت کلام پاک کی سعادت سب سے پہلے محمد مدثر جو ہیں وہ حاصل کریں گے. تو آپ کی عمر کتنی ہے مدثر؟ 10 سال. اور آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں؟ جی. کتنے میں سے پارے تک پہنچے ہیں؟ 25. ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آج کون سی سورہ مبارکہ تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ القدر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں جس میں آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کو مکمل کرنا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر, صدق الله العظيم. جزاك الله, بہت شکریہ محمد مدثر. سو اس کے بعد محمد طلحہ آپ تشریف لائیے. محمد طلحہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 17. ماشاء اللہ سے 17. اور آپ حفظ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا چل رہا ہے ابھی. چل رہا ہے تو کہاں, کون سے سپارے تک پہنچے؟ ہاف ہو گیا, ہاف رہتا ہے. آدھا ہو گیا اور آدھا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے؟ جی, سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر ہے ماشاء اللہ. جی. تو کیا سبجیکٹس ہیں سیکنڈ ایئر میں؟ آئی سی ایس. چلیں, گڈ لک ٹو یو بیٹے. اور کیا تلاوت کر رہے ہیں آپ؟ میں سورہ بقرہ 2:12 کے 2 آیتیں. اوکے, ٹھیک ہے. سو پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين,
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. اچھا یہ بتائیے گا طلحہ کہ آپ حفظ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. والدین کا اصرار تھا, ان کا کہنا تھا کہ اپنی خواہش تھی. بالکل والدین نے کہا جی اچھا چلیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے سر کے اوپر وہ تاج رکھا جائے اور اس کے حوالے سے والدین جو ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائے. چلیں بہت شکریہ. اب عمر نواز سے میں درخواست کروں گی کہ عمر آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. آپ کی عمر کیا ہے بیٹے؟ میری 17 ہے جی. اچھا ماشاء اللہ, تو آپ بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کر رہے ہیں یا میں حافظ قرآن ہوں؟ آپ حافظ قرآن ہیں, تو مکمل حفظ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں قرآن پاک کے ساتھ یا کچھ اور تعلیمی سلسلہ بھی ہے؟ نہیں, تھرڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں. تھرڈ ایئر؟ جی جی. اچھا چلیں ماشاء اللہ, تو کیا تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورۃ البقرہ کی دو آیتیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کہ آپ تینوں یہاں پر آئے اور آپ نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. قاری صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ہمارے لیے تو تینوں ہی بہت ماشاءاللہ سے جیسے کہنے قابل رشک ہیں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر رشک جو ہے دو لوگوں پر صرف روا ہے, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کرے اور وہ اسے اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے, اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے اور وہ اس کو بانٹے, اس کو لوگوں میں تقسیم کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے, تو یہ دو ایسے لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے. سو ہمارے لیے تو تینوں ہی قابل رشک ہیں, لیکن آپ کے درجہ بندی میں کون سا بچہ جو ہے؟ ہاں, یہ جو آخر میں پڑھا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عمر نواز. اب اس نے جو ہے تجوید کے قواعد اور رسول کے مطابق آواز بھی ذرا بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے الحمدللہ. تو پہلے نمبر پر یہ ہیں
ठीक है, और दूसरे पर वो जो बच्चा है क्या नाम है दूसरा दूसरे मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मुदस्सिर जी, जी हाँ, या रहा है, और फिर तलहा साहब तीसरे नंबर पर हैं, तलहा तीसरे पर हैं, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, मुबारक आप लोगों को बच्चों कि आप लोगों ने इतने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की है। और यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद शाहरे रमज़ान ट्रांसमिशन में, और मेरी पूरी टीम की यही दुआ है ये माह रमज़ान मुबारक बहुत खैर आफियत से गुजरे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहमतें और बरकतें आप समेट सकें। होता ये है कि हम ये तो ख्याल रख रहे होते हैं कि भूख और प्यास का, कि हमने छुप के भी चोरी से भी नहीं कुछ खाना पीना, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है जिसके लिए हमने रोज़ा रखा है। मगर रोज़े का एक और बहुत अहम जो हमसे नज़रअंदाज हो रहा होता है वो है कि हम खयानत तो नहीं कर रहे किसी भी किस्म की, भले वो किसी काम जिम्मेदारी जो हमारी दी गई है हम उसे पूरी तरह से अदा कर रहे हैं, हम कोई बदअहदी तो नहीं कर रहे, हम कोई ऐसी ज़बान का ऐसा गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जिसमें किसी की चुगली, किसी की गीबत, कोई झूठ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ ध्यान ज़रा कम जा रहा होता है। सो आज जब अपने रोज़े के आप हिफाजत करेंगे तो ये जो अल्लाह ताला ने एक माह मुबारक हमें दिया है ये इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कि हम सख्ती से चेक रखने की आदत डल जाए कि हमने जिसे कहना चाहिए ना गलती से भी वो गलती नहीं करनी जो कि आखिरत में हमारी पकड़ का सबब बन जाए। सो शाहरे रमज़ान में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन खूबसूरत आवाज़ों को और अंदाज़ को याद करें जिसमें आपका और मेरा बचपन गुजरा है। और आपको भी याद होगा, मुझे भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारे हम ऐसे खुशनसीब जनरेशन हैं, हमें मुजफ्फर वारसी जैसी आवाज़ें नसीब हुई, और हमने एक ये सेगमेंट भी किया है और इसी में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने उन तमाम मारूफ नातख्वां को, उन शायरीन को जिन्होंने, एक शुरा कराम को जिन्होंने खूबसूरत अशार लिखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो खूबसूरत आवाज़ें जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को खूबसूरती से बयान किया। सो आज हम उन्हें भी याद करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और जब ऐसे नामों की फहरिस्त बनाई जाए तो एक बहुत खुश अलहान नातख्वां जो मेरी भी बहुत पसंदीदा हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोगों की बहुत पसंदीदा हैं, उम्मे हबीबा, जो कि नातख्वानी में अपना एक मुनफरद अंदाज़ रखती थी। उन्होंने बड़े मुश्किल जो कलाम है फ़ारसी के, अरबी के, उनको भी बड़ी खुश अलहानी के साथ पेश किया और यही उनका कमाल भी था। 1969 से उन्होंने नातख्वानी का बाकायदा जो है आगाज़ किया, उनकी बेशुमार ऑडियो कैसेट्स जो हैं वो भी रिलीज़ हुई। 2001 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, उनके अपने वालिद जो हैं वो उनके उस्ताद थे। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि इसी नात के वसातत से और इसी वसीले से उन्हें अपनी ज़िंदगी का साथी भी मिला। जो उनकी एक इंटरव्यू से बात जो है वो मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनकी नात थी जो कि बड़ी मशहूर हुई है, हम सबको बड़ी पसंद है, गुल अज़रो खता मोहता। तो ये जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पढ़ी तो इतनी मकबूल थी और इतनी ज़बान ज़द आम थी और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही चलती थी टेलीविज़न पर। सो ये नात जो है उनके जीवन साथी ने, उनके हस्बैंड ने भी सुनी जो कि उस वक्त अमेरिका में थे, और उन्हें ये आवाज़ और अंदाज़ इस कदर पसंद आई कि उनके अपने बकौल उन्होंने दो नफल पढ़े और उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह ये नात जो है और ये जो खातून है ये ज़िंदगी की उनकी सफ़र की शरीक हों, उनकी शरीक हयात हो जाए, और अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। और इसी तरह से फिर जिसे कहते हैं ना दिनों में उनका रिश्ता तय हुआ और वो फिर अमेरिका चली गई। सो आजकल भी वो अमेरिका में ही मुकीम है, जहाँ रहें खुश रहें सलामत रहें, हमें आप बहुत याद आती हैं और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज जो हैं वो हमें दिए हैं और आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके दिलों को हमेशा इन खूबसूरत कलाम से तस्कीन मिलती रहेगी। सो आज हम उनको जब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर दावत दे रखी है ज़ारा हैदरी को, और ज़ारा से मेरा तारुफ जो है पुराना है। ज़ारा एटीवी के हमारे, हम चूँकि मुसलसल कोशिशें करते थे एटीवी पे कि हम अपने उन चीज़ों को प्रमोट करें जिसमें हमारी कदरें हैं, जिसमें हमारी रिवायात हैं, जो हमारी असल है, और नातख्वानी उनमें से एक थी। सो ज़ारा ने पार्टिसिपेट किया था और बड़े एक सख्त मुकाबले में विन भी किया था, और उसके बाद ज़ारा भी शादी होकर महल कैनेडा चली गई और आजकल कैनेडा से आई हुई हैं और आज ट्रिब्यूट पेश करेंगी उम्मे हबीबा को। सो बहुत शुक्रिया ज़ारा, पहले तो आपने हमें ज्वाइन किया। हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी आते हैं,
मैं तारुफ करा दूँ, डॉक्टर सबा हैदर भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर साहिबा डाइटिशन भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे, जो मैं आपसे शुरू में बात कर रही थी कि रोज़ा अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा है ये मुकम्मल इबादत है। मुख्तलिफ़ इबादत है ना, कुछ सिर्फ जिस्मानी है, कुछ सिर्फ रूहानी है। शुरू रोज़ा और हज दो ऐसी इबादत हैं जो जिस्मानी और रूहानी दोनों उसके फ़ायदे। सो किस तरह से हम इस माह मुबारक को इसकी रूहानी बरकतें हासिल करने के साथ साथ जिस्मानी तौर पर अपने लिए फ़ायदेमंद तरीन बना सकते हैं, ये डॉक्टर सभा हमें बताएंगी, है ना। सो डॉक्टर सभा, वैसे वो गलती कॉमन क्या होती है जो कि हम रोज़ा रखते हैं और गलती करते हैं और हम कहते हैं वज़न तो कम नहीं हुआ और वज़न तो और बढ़ गया रमज़ान में? फास्टिंग जो है ना, बेसिकली रोज़ा जो है मुकम्मल डाइट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो नाम ही रोज़े का है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब 8 आवर का विंडो होता है और 16 आवर की जब फास्टिंग होती है, इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग। हाँ, इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी कई फ्रेंड्स मुझसे मिलती हैं, उनसे कोई खा लो कुछ, कहते नहीं विंडो क्लोज हो गई है। मैंने कहा कौन सी विंडो है जो क्लोज हो गई है और कौन सा डोर है जो ओपन है। एनीवे हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे हम बात करें कि इस्लामिक आर्ट और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तहजीब, हमारी कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी रवायात की अमीन। आप किसी जगह पर जाएँ, गुम्बद देख कर, मेहरा, आप स्पेन चले जाएँ, तो आपको वहाँ के आर्किटेक्चर से पता चल जाता है कि ये मुसलमानों की बनाई हुई इमारत है। वहाँ के जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उनसे आपको पता चल जाता है। सो उनके बारे में आज बातचीत करेंगी हमारे साथ रिफत शाहीन। अस्सलाम वालेकुम रिफत, कैसी हैं आप? सो ज़ारा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इतने खूबसूरत आवाज़ों को, इतने खूबसूरत लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना जो है मुश्किल काम है। बेशक है, लेकिन हम उन खूबसूरत नातों को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे हैं। सो कौन सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही हैं? मेरी जानिब भी हो एक निगाह। आमीन जी। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल मरा खतमुल अंबिया, ऐ शफीउल मरा खतमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सु तुहा खतमुल अंबिया, आप शम्सु तुहा खतमुल अंबिया, आप है वजह तखली के कौनों मकान, आपके दम से है ये जमीन आसमां, आप हैं बेनिशानी का बयन निशान, ऐ शहे दोसरा खातमुल अंबिया, ऐ शहे दोसरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सु तुहा खातमुल अंबिया, ऐ फसीहुल करता करा शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सु तुहा खातमुल अंबिया, मुरसले मुरसला सरबरे अर्श
दिन सो जा मकबले मकबला आपकी जात है बाईसे कुन्फिका रासे अर्जो समा खातमुल्लंबिया रासे अर्जो समा खातमुल्लंबिया मेरी जानब भी हो एक निगाह करम ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्मे हरम आप शम्सु दुहा खातमुल अंबिया। वाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ज़ारा, थैंक यू वेरी मच जी जी शाहिदे किबरिया, बिल्कुल इतना खूबसूरत आपने इस कलाम को रिवाइव किया। और देखिए इसीलिए कहते हैं कि जो कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला उसको सदका जारिया बना देता है। अब ये जब तक रहती दुनिया तक ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ी जाएगी तो उम्मे हबीबा साहिबा को इसका इस कलाम को हम तक पहुँचाने का जो एक सवाब है वो पहुँचता रहेगा। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह शाहर रमज़ान ट्रांसमिशन में। स्टे विद अस। खुश आमदीद शहरे रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और मुझे एक वाक़या याद आ गया जो कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों के बारे में है कि जब रोज़े के इफ्तार का वक्त हुआ और मतलब एक दिन रोज़े के इफ्तार का वक्त हुआ और साहिल ने आवाज़ दी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो खाने के लिए था वो उठाकर उस फ़कीर को दे दिया। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, यानी अगर अपने खाने के लिए कुछ मौजूद है और रोज़ा है, मुसलसल रोज़ा है, लेकिन फिर भी कोई अगर पुकार लेता है या कुछ मांगता है तो अपने ऊपर उसको फ़ौकियत दी। ये अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है। और हम क्या करते हैं, हमारे दस्तरखान कितने भरे हुए होते हैं और कितनी चीज़ें हम ज़ाया कर रहे होते हैं इफ्तार पे। तो क्या रोज़े का जो जिस्मानी और रूहानी तरबियत का मकसद है वो पूरा होता है? और अगर नहीं होता तो फिर किस तरह से कम अज़ कम जिस्मानी जो है कि हमें सेहत तो हासिल हो, हमें इसके नतीजे में बीमारियों से निजात तो हासिल हो, हमें इसकी इफादियत तो मिले, तो हम उसके बारे में बात करें। और डॉक्टर सभा जो है हमें पार्टली तो बता चुकी थी कि आज पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग एक शोर है, हंगामा है कि जी आपने कुछ नहीं खाना 12 घंटे जो हैं आपने 16 घंटे, अच्छा 12 घंटे से 16 हो गया, 16 घंटे होते हैं, अच्छा ओके 16 घंटे, सो 16 घंटे आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना और उसके, लेकिन इसको आप ही समझा सकते हैं कि मुझे इसका नहीं। देखिए अगर आप डाइट प्लान ले रहे हो और उसे वेट रिड्यूस करते हो तो अगर 2 kg रिड्यूस होता है इंटरमीडियट फास्टिंग से 4 kg रिड्यूस होगा। अच्छा डबल, एंड इसका मतलब क्या है? कैसे ये होता है? जैसे कि आप फास्टिंग करते हो, जैसे हमने रोज़ों में सहरी की और सहरी हमारी जो है आजकल खत्म हो रही है तकरीबन 4:15 तक, हाँ 3:30 बजे तक लगा लीजिए। हाँ। तो अभी जो रोज़ा खुलेगा वो 7:30 आई थिंक सो, तो उतना टाइम लगा लीजिए 16 आवर्स कम्प्लीट हो जाते हैं, हो जाते हैं ठीक है। तो लेकिन जब हम रोज़ा खोलते हैं फिर तो हम कहते हैं बस हम खुल गए हैं, अब हमें कोई ना रोके, सब कुछ जो मौजूद हो हम खा लें, तो क्या ये जो मैंने नोट किया फरा कि जब कोई भी हम दस्तरखान पे होते हैं तो ज़्यादा जो रिवाज है ना वो शरबत का होता है, पानी की तरफ ध्यान होता है कि पानी पिए, गर्मी लग रही है पानी, खजूर की तरफ ध्यान नहीं होता। आपको पता है खजूर का इतना फ़वाद है कि तेजाबियत जो उस टाइम पे हमारी पीक पे होती है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सुन्नत नबवी भी है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बयान किया है कि खजूर से तो हमेशा चीज़ें जो है दस्तरखान पे जितनी है शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह पाक का। लेकिन आजकल होता है ये कि पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं करते लोग। डेफिनेटली जब एक चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है और वो ऑयल से बनी हुई है और वो भी वो ऑयल जो यू कैन से ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट जो है वो एक हार्मफुल
टाइप का होता है जैसे कैंसर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, अच्छा। इस तरीके से ट्रांस फैट भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो पोर्शन साइज को कंट्रोल करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके विंडो साइज में आप 8 आवर्स में वो कम्प्लीट खा लें। अच्छा, अब होता क्या है, इफ्तारी हुई, इफ्तार पे आपने ढेर सारा, पहले तो वही जो आपने कहा समोसे और कचौरियाँ और पकौड़े और नेम इट एंड हैव इट, जो कुछ चने एंड वगैरह वगैरह खा के आपने उससे पेट भरा, फिर उसके बाद अब आपने 12 बजे के करीब आपने फिर कुछ खाना है। और हम लोगों ने तो बिल्कुल ही सारा निज़ाम ही उलट कर लेते हैं ना, हम क्या करते हैं सारी रात जागते रहते हैं और जाग कर हम खाते रहते हैं मुसलसल, और सहरी से पहले या सहरी का कुछ तमीज़ नहीं होती, आखिर वक्त तक जब तक हम खा सकते हैं हमने खा लिया, उसके बाद रोज़ा रखा, और जिन लोगों को मैसर हुआ वो सो गए, और जिनकी मजबूरी है इन काम पे जाना से वो हैं जो कि जागेंगे, ऐसा ही है। सो ये इस रूटीन का भी कोई असर पड़ता है? रूटीन का आप खुद देखें ना, जो चीज़ डिसाइड हुई हुई है कि दिन जो है वो काम के लिए है, रात जो है वो सोने के लिए है, हाँ। जब आपकी रूटीन डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट जब होता है जब आपका मैदा जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, और आपको पता है जितना भी बैली फैट है वो कहते हैं कि भाई हम मोटे हो रहे हैं, सारा बैली फैट बढ़ता जा रहा है, रीज़न क्या होती है, आपका स्टमक के चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर कंजम्पशन और यू आर यूजिंग कंज्यूमिंग क्या, ट्रांस फैट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि सॉरी वो भी ऑयल है, ख्वातीन ये करती हैं कि अपनी तरफ से सुगड़ बन रही होती हैं कि ना वो तेल में तल लिए पकौड़े और समोसे और फिर रख लिया, exactly, और वो अगले दिन फिर उसमें तल लिए और कर लिए और फिर रख लिया, तो वो जो बार बार जो तले जा रहे हैं ये बहुत, यही ट्रांस फैट है जो कि कैंसर का सबब बन जाता है, डिफरेंट बीमारियां हैं जिनका सबब ये बन सकता है। तो फोकस हम यही करना चाहिए कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं, वो भी मैं मानती हूँ कि हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो ज़्यादा फ्राई नहीं करें, ठीक है, डीप फ्राई नहीं करें, जैसे कि हमें आप देख लें वेजिटेबल्स होती हैं उसको सौते कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन लेवल जो है वो सही नॉर्मल करती हैं, तो हम इनकी तरफ जा सकते हैं। अब मैं एज अ डाइटिशियन बात करूँ तो मेरी रूटीन सेट है कि मैंने जब अफ्तार करनी है, देखिए अपने आप पर पहले अप्लाई करना चाहिए ना, बाकी पे तो मैं बाद में अप्लाई करूँगी, अफ्तार आती है खजूर और दूध का मैंने इंटेक किया, ठीक है, 1 घंटे के बाद मुझे अगर मेरे पास चाट पड़ी है, दही बड़े हैं तो मैंने उसका उसको कंज्यूम किया, ठीक है, लाइक विंडोज में ना मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि इस टाइम पे मैंने ये खाना है, इस टाइम पे मैंने ये खाना है, और 10 बजे जो है मैंने ऑलमंड्स लाइक ले लेने हैं, काजू लेने हैं, वॉलनट्स लेने हैं, जितना लाइक मुझे लगता है कि मुझे 100 ग्राम जो है उसको कम्प्लीट करना है, ठीक है, ताकि मेरी बॉडी को भी नरिशमेंट मिले और मेरे दिमाग, चीज़ें आपकी अप्स एंड डाउन्स में आती हैं अफ्तारी और सहरी के अंदर, तो आपको अपने मल्टी वाइटामिन का भी ख्याल करना है, आपको हर चीज़ का ख्याल करना जो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में जैसे कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम के आपका वज़न भी साथ कम हो, तो आपने फिर अवॉइड, कहते हैं कि आप फास्टिंग करें, ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, और उसके साथ आप कार्ब्स को निकाल दें तो डबल फ़ायदे होते हैं। कार्ब्स का मतलब है चावल, रोटी, ये समोसे कचौरी या वगैरह कुछ भी मैदे से बनी हुई चीज़ें, आप इनको निकाल दें बिल्कुल अपनी खुराक से, सब्जियां लें, फल लें, ताज़ा ऐसी चीज़ें लें जिसमें कि कार्ब्स कम से कम हो, तो क्या इसमें भी कोई सदाकत है? अब आप ये देखें कार्बोहाइड्रेट जो है आपके ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, आपका दिमाग जो है, आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी ही कार्ब्स से आती है, अगर जब आप कार्ब्स को ही कट कर देंगे प्रॉपर तरीके से तो आपकी बॉडी को आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसी तरीके से कार्ब्स का भी पोर्शन लेवल होता है, इस तरीके से प्रोटीन का भी और फैट का भी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोटी अगर आप जहाँ पे 2 खा रहे हो आप उसको 1 कर सकते हो, ठीक है, अगर आप 1 खा रहे हो उसको आप 1.5 कर सकते हो, लाइक उसके बाद आप 1/4 कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम नॉर्मल करके पोर्शन साइज को कंट्रोल करके हम डाइट पे ओवरकम कर सकते हैं और अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपने ऊपर बिल्कुल हराम कर लेना, हराम नहीं, खाना ही नहीं है ये, तो उसमें वो गलत है, देखिए डाइट इज ऑल अबाउट ईटिंग पर्पस। एक होता है ईटिंग डिसऑर्डर, एक वो लोग होते हैं जो डिप्रेशन में कोई परेशानी होगी तो खाए जाएंगे खाए जाएंगे, वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बिंज ईटिंग बोलते हैं उसको, लेकिन डाइट में आपको हर प्रोटीन का पोर्शन साइज, चिकन हो गया हमारे पास, नट्स से आपने ले लिए, ऑलमंड, काजू एंड ऑल दिस स्टफ, ये चीज़ें कम्प्लीट करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास आप दिल नहीं करा पानी पीने का, आप मशरूबात ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, जैसे लेमन जूस है, लीमू का पानी है, आप उसमें थोड़ा सा बेसल सीड एड ऑन कर दें, साथ में लीमू ऐड ऑन कर दें, थोड़ा सा जो कहते हैं आप काली मिर्चें ऐड कर दें, नमक, यू कैन से पिंक साल्ट ऐड कर दें, अच्छी सी ड्रिंक बनाए और पीजिए। जो चीनी है ना, चीनी भी नुकसानदेह होती है, चीनी भी हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज की जाती है तो वो नुकसानदेह होती है, बिल्कुल सही, पाकिस्तान पॉइजन, व्हाइट शुगर इज लाइक, चीनी जो है स्लो पॉइजन के तौर पर,
होता है, सो इसलिए चीनी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। क्या ब्राउन शुगर और चीनी जिसे शक्कर कहते हैं, इन दोनों के एक ही जैसे इफेक्ट्स हैं? अगर हम चीनी को कम करें तो शक्कर को डालना शुरू कर दें, और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिसमें होता है कि शुगर लेस हैं ये या फिर महफूज हैं जो डायबिटीज़, तो एक ही जैसा है? एक जैसी चीज़ है, दोनों का सेम पर्पज़ है, दोनों सेम तरीके से काट रहे हैं बॉडी को, कोई फर्क नहीं पड़ता? नो, अच्छा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा कि बच्चे जो लोग रोज़ा रखते हैं, पहला रोज़े हैं या फिर नए नए रोज़े रखना शुरू किए हैं, माओं को ये भी बड़ी तशवीश होती है और होनी भी चाहिए कि बच्चे कमज़ोर भी ना हो जाएं, उनकी डाइट को कैसे लुक आफ्टर किया जाए रोज़ों में, और क्या ऐसा चीज़ें उन्हें देनी चाहिए कि जिसके साथ उनकी जिस्मानी सेहत भी बरकरार रहे और वो बढ़ चढ़ कर पूरे रमज़ान मुबारक में रोज़े भी रख सकें? एक्जैक्टली, अब देखिए स्मूदीज बहुत इसमें मैटर करती हैं। अब दही को आप वैसे यूज़ कर रहे हो, लस्सी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, अपने नोट कीजिएगा कि जब आप चीनी के साथ दही लेते हो ना, तो उसका तेजाबियत रेट, जो एसिडिटी रेट होता है ना आपकी बॉडी में, एसिडिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, और जो दही का इम्पैक्ट साल्ट के साथ है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो अब बच्चों की बात की जाए तो स्मूदी बनाई जा सकती है, उसमें आप चीनी ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए, यू कैन ऐड, ठीक है, केला ले लिया आपने, आपने स्ट्रॉबेरीज ले ली, आपने थोड़ा सा चीनी को ऐड कर लिया, आपने दही ले ली, इतनी मजे की स्मूदी बन जाएगी। ये एक प्रॉपर पैकेज है, ठीक है, डाइट के लिहाज से। अब बच्चे जो होते हैं, अब बड़ों के लिए भी यही है कि देखिए शहरी के अंदर अगर आप देसी घी यूज करते हैं, देसी घी वेरी वेरी हेल्दी, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, ये वेरी आज से 10 साल पहले टेलीविजन पे जो डॉक्टर बैठ रहा था वो कह रहा था कि देसी घी ये तो आपके लिए बिल्कुल मुजर है, ये तो आपको ने खाना ही नहीं है ना, ये तो बहुत गलत। अब ये देखिए, अब सबके सामने ये बात है कि जो हमारे बूढ़े थे, जो हमारे बड़े हैं, वो आज तक हेल्दी अच्छे लगते हैं बेड के साथ, क्यों? उस टाइम पे क्या कोई और तेल था, बनस्पति घी थे? नो, उस टाइम पे हमारे पास था देसी घी, खुद बनाते थे, खुद उसको लाइक मक्खन बनाया, उसको पकाया तो देसी घी बना। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो ये डाइट होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट है और इससे आपको स्टेमिना भी बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे से हैप्पी इसीलिए होता है कि आप जो है फैक्टफुल बात करती हैं। तो मैं कहती हूँ कोई भी आता है न्यूट्रिशनिस्ट तो मेरे से फैक्टफुल बात करे, और इस बात पे मैं जीतती हूँ कि हमारी डाइट के अंदर देसी घी और मक्खन इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है। अगर पकौड़े वगैरह तलने आपने तो कोशिश करें कि सरसों के तेल में तल के देखिए, जायका शुरू में हो सकता है थोड़ा सा लगे कि मुश्किल है, लेकिन एक दफा आदत होगी बड़ा हेल्दी है। सुना है कि पंजाब में तो खासतौर पर जो कि सरसों बहुत काश्त होता था, लोग इसी में आज तक जो है जो दूसरा पंजाब है, इंडिया में जो पंजाब है, जो सिख जहाँ पे बकसरत है, वो लोग आज तक अपने खाने में सरसों का तेल डालते हैं और सरसों के तेल में ही चीजें तलते हैं। सो ये भी हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट, इवन की कोकोनट ऑयल। अच्छा, आप ये देखिए कोकोनट ऑयल जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, इस तरीके से आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए भी कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नहीं यूज करना चाह रहे मक्खन, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप वो यूज करना नहीं चाहते, आप देसी घी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करें इसको, अपने कुकिंग ऑयल को रिप्लेस करें चीजों से जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सीड्स, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के ऑयल्स, चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में आप शामिल रखें। एक ही चीज़ के साथ, एक ही ब्रांड के साथ हम फिक्स हो जाते हैं और हम जब जाते हैं पूरे उसमें घूम के ना उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ है, हमने वही लेना है। सो इंस्टेड ऑफ दैट की कोशिश करें कि कभी आपने सूरजमुखी उठा लिया, कभी आपने कैनोला ले लिया, वर्जन ऑलिव ऑयल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, सो ये सारी किस्म की जो ऑयल्स हैं इनको भी अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन रेट को कम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन जो है ना मदर ऑफ डिजीज है, ठीक है। अच्छा, क्या इसका कोई हल है? ये पहले वाला रोज़ा है तो अक्सर लोगों को पहला रोज़ा रख के ना हेडेक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर लेवल्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं और फिर चाय का बड़ा दिल करता है और क्या सहरी में चाय पी लेनी चाहिए, उससे क्या प्यास ज़्यादा लगती है, इस तरह की चीज़ों का क्या हल? ये मिथ है, आपको पता है ये सारी माइंड गेम होती है। अब देखिए बहुत पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरीके से हर इंसान की माइंड गेम डिफरेंट होती है। तो मिथ के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए। जब अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं आप तो आप हर चीज कर सकते हैं। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, तो आई डोंट थिंक सो कि ये तो जो चाय के सख्त किस्म के एडिक्ट्स हैं, एडिक्शन तो है ना, कैफीन तो है ना, एडिक्ट तो कर रही है ना, तो डेफिनेटली होगा उसको होगा। तो वो क्या करे कि वो आखिरी, जो मैंने देखा चाय के जो शौकीन है ना और सिगरेट के जो शौकीन है, वो जब सुबह की अजान हो रही होती है ना आखिरी, तो उनकी कोशिश होती है बस चाय आखिर में और सिगरेट जो है ना वो जल्दी से पी लें ताकि वो किसी तरह से उनकी वो जो सूरत हाल बेहतर रहे। लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या चाय पीनी चाहिए सहरी में, क्या इससे कुछ बेहतरी रहती है कैफीन के इनटेक से, या इसको अवॉइड करना चाहिए? ना चाहिए। अच्छा, कैफीन को देखे, अब एक इंसान की को हम
हिंडर नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते, हाँ हम थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं कि इतने आज तक हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम यूज तो करेंगे ना, ठीक है, तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं हम, यस मैं तो अलाउ करती हूँ कि अगर आप ले रहे हो सैरी में तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चले थैंक यू वेरी मच। अब आपने खाने पीने की बात कर ही दी है, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि शाहरे रमज़ान ट्रांसमिशन सरीना होटल इस्लामाबाद के तामन से पेश की जा रही है, और जिसका मतलब यह है कि हमारे पास सरीना होटल के एक्सक्लूसिव रेसिपीज़ और उनके शेफ्स आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर में जो आपकी एक ख़ानदानी रेसिपीज़ होती है ना, हर दफ़ा रोज़ों में हमने वो बनानी बनानी होती हैं, उसके बगैर हमारा दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा आप वेरिएशंस ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपको बहुत अच्छी और जिसे कहते हैं ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद हम किचन में जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव रेसिपीज़। वेलकम बैक, और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने किचन में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि शाहरे रमज़ान ट्रांसमिशन जो ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है, ये पेश की जा रही है सरीना होटल इस्लामाबाद के तावन से, जिसका मतलब है कि सरीना होटल्स के बेस्ट शेफ्स और बेस्ट रेसिपीज़ एक्सक्लूसिव एंड ऑथेंटिक आपको जानने के लिए मिलेंगी, वो रेसिपीज़ जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और पूरे आपके जो घर वाले हैं वो वाह वाह कर उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ शेफ इकरा हैं। इकरा क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ दो डिशेस, चीज़ी मटका पास्ता। चीज़ी मटका पास्ता, ओके, एंड पोटैटो चाट। पोटैटो चाट जी। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि आसान सी कोई चीज़ होगी, लेकिन ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि एक्सक्लूसिव सी कोई चीज़ बनने वाली है। अच्छा, कैसे शुरू होगा, पहले क्या बना रहे हैं? पहले मैं पोटैटो फिंगर चाट। पोटैटो फिंगर चाट जी, जी फिंगर चाट। तो ये आलू उबाल लिए पहले? जी, आलू पहले से बॉयल कर लिए थे, हाफ के जी आलू। ठीक है, साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूं जी। ठीक, हाफ के जी पोटैटो, आधा किलो आलू जो है वो हमने उबाल के मैश कर लिए अच्छी तरह से छिलके उतार के, और ये आपके सामने आधा किलो आलू आ गए। अब इसमें क्या डाल रहा है? उसके अनुसार 1 teaspoon salt, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon red chili, ठीक है, लाल मिर्च 1/2 teaspoon black pepper, ठीक है, लाल मिर्चों के बाद आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्च डाली है, ठीक है, और कमिन सीड, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर भुना हुआ है? जी, भुना हुआ जीरा। ठीक है, भुना जीरे का पाउडर। ग्रीन चिली 1 teaspoon, ग्रीन चिली 1 teaspoon, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, धनिया जो आप डाल 2 tablespoon, ठीक है, और ये ऐसे तो कटलेट्स बनते हैं जब आलू के कबाब बनाने हो जी, है ना, वो भी बना सकते हैं जी, कटलेट्स अपनी वो च्वाइस है, आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकती हैं, कोई भी अगर दिल चाह रहा है आप उसमें चिकन भी ऐड कर सकती हैं, बच्चों के मुताबिक भी हो जाएगी। ठीक है, आपने वेजिटेबल इसमें ऐड करने के लिए रखी? नहीं नहीं, ये ऊपर गार्निश के लिए। अच्छा, चाट है ना, तो ऊपर गार्निश के लिए। ठीक है, सो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर मैश। सो तलो एक आला क्वालिटी ब्रांड जो कि अपनी 50 साल रिसर्च की वजह से, और इसीलिए तो कहते हैं अम्मा तलो में बनाओ हमें सेहतमंद बनाओ। सो हमने यहाँ पे तलो ऑयल जो है वो डाला हुआ है, जिसको कि हमने गर्म कर लिया, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 50 साल रिसर्च की बदौलत तलो है गज़ाइत से भरपूर, इसकी आला क्वालिटी से मिले आपके खानों को भरपूर गज़ाइत, इसीलिए तो कहते हैं अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। सो हम भी ये सेहत और गज़ाइत आज तलो के किचन में हम बना रहे हैं। इसका नाम क्या था? पोटैटो फिंगर पोटैटो, फिंगर पोटैटो चाट। ठीक है, सो ये हमने इसके रोल्स बना लिए। अगर आप क्यूब्स भी करना चाहती है, क्यूब्स पोटैटो इस तरह नाम दे देंगे, शेप जितनी शेप बनाएंगे जी जी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं इसको मैरिनेशन करूँगी, इससे मैदा, एग बीटन और ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, इसमें करके फिर तलो ऑयल में फ्राई कर दूँ, फिर फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी चाट बना लेंगे, है ना जी। सो तलो में मौजूद विटामिन ए और उसके साथ ओमेगा 3, जो कि आपके खानों को देता है भरपूर गज़ाइत और उसके साथ साथ जायका भी।
और जब हम रमज़ान में खाने बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हम बाज़ अवकात, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक ही ऑयल को बार बार तल रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे तलो कह रहा है कि उसके अंदर विटामिन ए है, ओमेगा 3 है, ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। और ना सिर्फ ये कि ख़त्म हो जाते हैं बल्कि ऑयल जो है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से फिर वो हमें ग़िज़ाइयत नहीं मिल सकती। जो ग़िज़ाइयत अगर हम वैसे तलो में बना रहे हों और फ्रेश उसमें चीज़ें ऑयल फ्राई कर रहे हों और उसको कुकिंग में यूज़ कर रहे हों तो हमें मिलती है। अच्छा, इस तरह से जी मैरिने इसको कोट करना है, पहले मैदे में कोट करेंगे, ठीक है, खुश्क मैदे में जी। हमने अच्छी तरह से इसे रोल कर लिया, उसके बाद अंडे में, ठीक है, अंडे में अच्छी तरह से हमने रोल कर लिया, और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम, हम इसको ब्रेड क्रम में कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। शेप आप अपनी मर्जी से, शेफ इकरा बता रही हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से करेंगे रोल, ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएं, और फिर हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे, राइट? जी, ठीक है। सो एक हमने जैसे रोल करके रख लिया, पहले से खुश्क मैदे में हमने रोल किया, फिर अंडे में, और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल कर रहे हैं, और फिर इसे गर्मा गर्म तलो ऑयल में डालकर हम फ्राई करेंगे। तलो जो कि जानता है अच्छी ग़िज़ाइत की अहमियत, कि अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपके बच्चे की बढ़ती सेहत में, उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए और उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, बस हम इसको फ्राई करना शुरू करने लगे हैं। सो तलो ऑयल जो है उसको हमने गर्म कर लिया है, पहले ही प्री हीट से गर्म कर लिए, तेज़ गर्म होना चाहिए ऑयल, ठीक है, 5 to 10 मिनट गर्म करना, ठीक है। और उसमें हमने अपने जो रोल्स हैं, पोटैटो रोल्स जो कि कोटेड हैं ब्रेड से भी, ब्रेड क्रम से भी और मैदे से भी, वो डाल दिए, ठीक है। अब जब ये फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? उसके बाद फिर हम ऊपर मैरिनेशन करेंगे इसकी, टमरिन की, ठीक है, इमली की चटनी, जी जी, इमली की चटनी जो बनाई हुई है पहले, इसके भी इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इमली की चटनी पहले ली थी हमने, 1 कप इमली ली थी, 1 कप भगो दी थी पानी में, पहले आप आधा घंटा पहले भगो दें, ठीक है। फिर उसमें हमने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस, ब्राउन शुगर जैस उसको ग्राइंड कर लिया था। अच्छा जी, और उसको ग्राइंड करने का क्या फ़ायदा होगा? ग्राइंड करने का ये होता है कि उससे के सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल ज़्यादा वो जरे जरे मुंह में नहीं आते। अच्छा ठीक है, सो बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की सॉस बन जाती है, सॉस की जैसे बाजार मार्केट से वगैरह से मिलती है ना, वैसे घर में आप बना लें, बिल्कुल सही। और इसको हमने प्रॉपर फ्राई करना है, ये हमारा अच्छी तरह से, सो ये हम इसे फ्राई कर रहे हैं, और जब तक ये फ्राई होता है, अगर आप हमें दूसरी हमारी जो रेसिपी है उसका बता सके कि वो कैसे शुरू होगी? जी, उसकी रेसिपी है मटका, ये यूनिक सी है, रमज़ान के लिए न्यू रेसिपी है, ठीक है। कि उसमें सबसे पहले हम बटर लेंगे, गार्लिक चॉप, मक्खन है, हम मक्खन जो है वो डालेंगे इसमें, और लहसुन, लहसुन चॉप, ठीक है, ये लहसुन है बारीक कूट लिया हुआ है हमने, कूटी हुई मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च है, ओरिगानो, ठीक है, ओरिगानो डलेगा इसमें, जो कि मतलब स्पाइसी सॉस, हॉट सॉस इसको बोलते हैं, स्पाइसी सॉस, स्पाइसी सॉस, जी जी, ठीक है। और ये मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, और ये क्रीम है जो लास्ट में जाएगी, फ्रेश क्रीम, जी जी, जो कि आपने बीट करके रख लेनी है, जी ठीक है। सो ये चीज़ें हैं हमारी, मटका पास्ता, मटका पास्ता, उसके ऊपर जो गार्निश हम देंगे ना बाद में, स्टीम करेंगे उसको, फिर चीज़, चेडर चीज़ जाएगी, मुजरीला चीज़ जाएगी, और डिल पिकल डाल लें आप, या उसमें ओरिगानो डाल लें थोड़े से, बस बिल्कुल सही। सो ये चीज़ें डालकर हम इसको करेंगे, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तो हम अपनी फिंगर शेप पोटैटो चाट जो है वो बना रहे हैं ना, जी जी, नाम इतने डिफरेंट डिफरेंट से हैं, चीज़ें जो है वही डल रही हैं जो कि हम आम बना रहे होते हैं और घर में इजीली अवेलेबल है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अलग से डली हो। देखे ना, हमने आलू में पोटैटो जल्दी हो जाते हैं, इसको जल्दी बस, ठीक है। सो हमने आलू को बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसे मैश कर लिया, मैश करने के बाद उसमें हमने नमक डाला, लाल मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा हमने उसमें भुना हुआ जीरा डाला, कटी हुई हरी मिर्च डाली, धनिया डाला, उसको मिक्स कर लिया, मिक्स करके जैसे हम कबाब बनाते हैं इन्होंने रोल की शक्ल दे ली, फिर उसको मैदे में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद, तलो
ऑयल में तलो बनास्पति में हमने इसको फ्राई कर लिया है और फ्राई करके आपके सामने ये गोल्डन से हमारे निकल आए हैं रोल्स। अब क्या होगा? अब इसके ऊपर इमली की चटनी जिसकी रेसिपी अभी आपको इकरा ने बताई है वो डालेंगे। चटनी ऐसे ठीक है, और इमली की चटनी के साथ पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी मैंने ऐसे बनाई है, इसमें पुदीना, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस। अच्छा जी, जस्ट ठीक है। सो ये जो इसमें वाटरी है ये लेमन जूस है? जी जी लेमन जूस है। ठीक है, सो ढेर सारे लेमन जूस में इन्होंने पुदीने को, हरी मिर्च को और नमक को पीस लिया। अच्छा, और इसमें कीवी, गार्निश के लिए कीवी। अच्छा, गार्निश के लिए खाया भी जा सकता है? खाया भी जा सकता है। ठीक है, पोमीग्रेनेट भी आप डाल सकती हैं सीजन के हिसाब से। अच्छा, अगर अनार मिले तो आप वो कह रही हैं अनार भी डाल सकती हैं। वो क्या चीज़ पड़ी है इकरा? ये वंटन चीट, इसको फ्राई किया हुआ वंटन चीट है ना। अच्छा जी, क्रिस्पी के। सो ये भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। हमें कहाँ से मिलेगी आम लोगों को, मतलब कहाँ से जाके पूछे? जी आप घर में भी बना सकती हैं, जैसे मैदे वगैरह से बनती है। अच्छा। मैदा हो गया जी, फ्लोर हो। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें डालेंगी? इसके ऊपर गार्निश के लिए टोमेटो चॉप, थोड़े से हमने टमाटर काट के डाल दिए हैं, चाट है, चाट के लिए आप इस तरह चॉप कर। ठीक है, खीरा थोड़ा सा जो है बारीक काट के उसके स्लाइसेस छोटे छोटे डाल दिए हैं, और मेरा ख्याल है ये भी कुछ डालने के लिए रखा है। जी ये योगर्ट है, स्वीट योगर्ट। अच्छा, ओनियन, थोड़ा सा हमने प्याज कटा हुआ डाल दिया है, और ऊपर इसके हमने अब स्वीट योगर्ट। स्वीट योगर्ट का मतलब क्या हुआ? स्वीट योगर्ट इसको बनाया हुआ है, प्लेन योगर्ट लेके ना उसमें शुगर ऐड किया है। अच्छा ठीक, 1 टीस्पून शुगर। सो ये जो है डाल दिया हमने ऊपर, और आपकी फिंगर पोटैटो रेडी है। फिंगर पोटैटो चाट जो है वो रेडी है। चाट मसाला साथ में सर्व कर देंगे उसके साथ, ताकि आप अपने मुताबिक डाल। तलों में हमने इसे फ्राई किया है, जिसमें मौजूद विटामिन ए और डी और ओमेगा 3 भरपूर जायके के साथ साथ सेहत को भी यकीनी बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम दूसरा अपना रेसिपी की तरफ आएंगे। आइए, इसका नाम था मटका, मटका चीजी पास्ता। मटका चीजी पास्ता, बिल्कुल सही। सो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ डलेगी और क्या? सबसे पहले बटर, सबसे पहले मक्खन हम पैन में डाल रहे हैं। ठीक है, पैन में मक्खन डाल रहे हैं, और तलो के किचन में आज आपको ये एक यूनिक सी रेसिपी जो है वो मिलने जा रही है, क्योंकि आपने पास्ता, मटका और पास्ता तो डिफरेंट दुनिया की चीज़ें हैं। मटका जो है वो हमारा यहाँ का लोकल हांडी तो बनने देखी है या कुन्ना बनते देखा है, लेकिन पास्ता मटके में ये आज आपको इकरा बता रही है। अच्छा जी, सो मटका, बटर के बाद चिकन। अच्छा, चिकन के क्यूब्स काटे? चिकन क्यूब्स। ठीक है, चिकन क्यूब्स हमारे पास है 1/2 kg। ठीक है, ये 1/2 kg है, तो हम 1/2 kg चिकन क्यूब्स जो हैं वो हमने डाल लिए हैं। ये 1 कप तकरीबन डाल दिए। लेकिन आपने चिकन क्यूब्स हैं बड़े बड़े काटे हैं जी, तो हमें ऐसे ही बड़ा चंक काट के काटने हैं? आप मर्जी है कि आप छोटा भी कर सकती हैं उसको। बिल्कुल ठीक, ऐसे बड़ा बड़ा फिर सही रहता है, मुँह में चीज़ें सही आता है ना। ठीक है, और इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। बिल्कुल ठीक, इसको फ्राई कर रहे हैं हम, और तलो किचन में हम आपको बता रहे हैं आज चीज़ी पास्ता की रेसिपी। तलो जो कि अपनी आला जायके और गज़ाइत की वजह से जाना जाता है, और इसकी गज़ाइत जो है उसकी वजह है इसमें मौजूद विटामिन ए, डी और उसके साथ साथ ओमेगा 3। इसीलिए तो कहते हैं अमा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। जैसे बचपन में आपने सुना, मैंने ये ऐड देखा, सुना मैं काफ़ी ज़्यादा सुना। ठीक है, उस वक्त कितना अच्छा लगता था, अच्छा सुनने में। वैसे भी हाँ, हमारी इससे बड़ी एक अटैचमेंट सी भी है, यादें सी भी है। अम्मा का वर्ड तो वैसे ही इतना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो आपके खाने तो बने हुए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो लेकिन आपके हाथ के बने हुए खाने खाने के लिए लोग सरीना में आते हैं ना, अम्मा के बने हुए हाथ के खाने छोड़कर वो आपके हाथ के बने खाने जो है वो खाने के लिए आते हैं। आपको आपकी फेवरेट जो कुजीन है वो कौन सी है इकरा? मेरी इटालियन। इटालियन जी, और उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि मुझे पास्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपको पास्ता अच्छा लगता है, इसीलिए आपने मटका पास्ता ये जो है आपने इन्वेंट किया है या ये मटका पास्ता मैंने रमज़ान के हवाले से मैंने देखा कोई नई यूनिक सी होनी चाहिए ये डिश। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने ये चूज़ किया। उसके हिसाब से चूज़ किया, देखा इकरा आपके लिए इसी तरह पूरे रमज़ान में बड़ी एक्सक्लूसिव और यूनिक रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आएंगी,
और हमारे और भी शेफ्स जो हैं वो आते रहेंगे सरीना होटल के इस्लामाबाद के, जो कि आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ हैं वो शेयर करने वाले हैं। आपने इस तलो किचन को मिस नहीं करना है। अब इसके बाद 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप, ठीक है, लहसुन जो कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया, 1 चम्मच डाल दिया, हमने 1 चम्मच डाल दिया। अब क्या डलेगा? इसके बाद कूटी हुई मिर्ची, ठीक है, कूटी 1 टीस्पून। मर्जी है कि आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं जिसको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। 1/2 टीस्पून ओरिगानो, ठीक है। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट चली गई इसमें जी। 1/2 टीस्पून नहीं नहीं ये होल सॉस, 1 टीस्पून जो है ग्रीन चिली भी डाली है ना इसलिए उसके लिए आ सकती है, ये भी अच्छा। स्पाइसी होती है, ठीक है। तो हॉट सॉस भी हमने डाल दी। ये बड़ा देसी किस्म का पास्ता बन रहा है जिसमें इतनी स्पाइसेस जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से, ठीक है। अब क्या डालने वाला है इकरा? ये वेजिटेबल, ठीक है, डालिए। बेल पेपर 3 किस्म के, ठीक है, बेल पेपर अगर 3 किस्म के मौजूद ना हो तो ग्रीन भी आप डाल सकते हैं वो सीजन के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो बेल पेपर हम डालने जा रहे हैं, 3 रंगों के बेल पेपर जो है वो डाल रहे हैं। वैसे कह रहे हैं कि खानों में जितना ज़्यादा 1 कप, हाँ 1 कप के बराबर, लेकिन जितने रंगों की सब्जियाँ हों उतने उसमें ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि हम तो तलो बनास्पति में, तलो कुकिंग ऑयल में और तलो बनास्पति में बना रहे हैं, जिनका कहना ही यही है 1 टेबल स्पून ऑनियन और ग़िज़ाइयत दोनों साथ साथ, फ्रेश पार्सले 1 टेबल स्पून। पार्सले ना हो तो धनिया भी डल सकते हैं या पार्सले का अपना फ्लेवर है? पार्सले का अपना फ्लेवर है, इटालियन उसमें कुजीन में ओरिगानो ये पार्सले बहुत अच्छा है, ठीक है। रोज मैरी हो वो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने ये फ्रेश जी सब्जियों को भी सौते कर लिया, सौते कर लिए, और सौते करने के बाद अब हम सब्जियों को ज़्यादा वो करते नहीं, पकाते नहीं, फिर उसकी वो गुजाइयत मत करते, ठीक है। और अब हमें पैनी पास्ता, कोई भी शेप का पास्ता जी जी, स्पेगेटी ले सकते हैं, अच्छा पैनी पास्ता, फेटोसिनी ले सकते हैं, ठीक है। जो 1 कप पैने पास्ता, इसका मटका वाला सीन क्या है? मटका वाला इसमें मट्टी के उसमें वो जो गूंजा होता है ना उसके ऊपर डालेंगे बाद में, अच्छा, अंदर डाल के फिर उसको स्टीम देंगे, ठीक है, इसलिए मटका उसको पास्ता बोलते हैं, इसलिए मटका जी पास्ता जी बोलते हैं। तो स्टीम इसको कोयले से देंगे अंदर कोयला रख के? नहीं, या आप अगर वैसे भी अगर कोयला वगैरह हो तो उसको जैसे डेचकी है ना घर में, डेचकी कुकर आम होता है घर के अंदर, कुकर लेके उसके नीचे पैंदे में आप कोई पानी भी रख सकते हैं, ऊपर स्टैंड रखेंगी फिर उसके ऊपर ये पोट रख देंगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा इकरा, आप कब से कुकिंग में हैं? मुझे 6-7 ईयर हो गए, 6-7 साल हो गए। और आपने कैसे इसमें आई हैं कि इस फील्ड में? मुझे शुरू से, मैं और मेरे भाई इस फील्ड में आए थे, सबसे पहले भाई, फिर मुझे भी शौक हुआ, दोनों साथ हों, अच्छा फिर दोनों। लेकिन आने का तरीका क्या है? अगर कुछ लड़कियां आपको देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं और वो भी शेफ़ बनना चाहते हैं तो क्या करें? वो आना चाहिए, इस फील्ड में बहुत अच्छी फील्ड है। तरीका क्या है, मतलब कैसे? तरीका ये कि सबसे पहले आप कोर्स करें, कोर्स नहीं भी करती हैं सरीना होटल में आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग पे आजकल सरीना होटल ने बहुत वो किया हुआ है कि सब लड़कियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आप होटल में आके ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं? पहले तो होता था कोर्सेज करने पड़ते थे इसके प्रॉपर, लेकिन अब इसकी इंटर्नशिप होती है 3 मंथ की, 2 मंथ की, 6 मंथ की, ठीक है। तो इंटर्नशिप के बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी और फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड, रिवॉर्डिंग है, मज़ा आता है करने जी में? जी बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी कुकिंग तो आपको पता घर की भी फील्ड है, आराम से खाने पकाने, मुझे इस फील्ड का ज़्यादा शौक भी था। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून क्रीम कोई भी ये जो आम पैकेट की क्रीम होती है, आपने तो फ्रेश क्रीम डाली है, हम वो भी डाल सकते हैं? जी फ्रेश क्रीम, ठीक है। लेकिन हमारे पास पैकेट की हो तो हम पैकेट की डाल लें जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसमें पैकेट की क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम डाली है, आप अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से पैकेट की भी डाल सकते हैं, फ्रेश अवेलेबल नहीं है। और इसको अब हम कर रहे हैं, फ्लेम बंद कर दिया ताकि, ठीक है जी, अब रेडी हो चुकी है। और इसको हम थोड़ा सा अब घुमा फिरा रहे हैं ताकि वो ज़रा उसमें अब इसको फिर हम मटका में जी, वो जी, नहीं मटका पड़ा जी वो? जी वो पड़ा हुआ, ठीक है। सो हमारा मटका नहीं, ये वाला ठीक है, छोटा, अच्छा छोटे मटके में डाल, छोटे में, ठीक है।
सो हम इसमें डालेंगे और चीज़ वगैरह फिर इसके बाद में डालेंगे। जी जी, सब इसके बाद चीज़ डालेंगे। ठीक है, स्पून, ये बड़ा वाला स्पून। जी जी, ठीक है। सो अब हम इसको डालने लगे हैं। हांडी आपके पास होगी, घर में अक्सर होती हैं, और तो वो उस हांडी में डाल के और उसके बाद ऊपर इसके मोज़रेला एंड कौन सी चैडर चीज़ है? जी, मोज़रेला चैडर चीज़। मोज़रेला एंड चैडर चीज़ वो इसके ऊपर डाल देंगे। एंड इकरा ने तो मुख्तलिफ वो भी रखे हुए हैं, और क्या डालेंगे इकरा? वो छोटे इसमें दिल पिकल, चेरी टमाटो, चेरी टमाटो एंड पिकल आप डालना चाहें तो, अगर नहीं है तो कोई इतना मसला नहीं है, मेन इन्ग्रीडियंट तो नहीं है। इसे डाल जी। डांट कितनी पड़ती है इस काम में? नहीं, डांट नहीं पड़ती। नहीं पड़ती जी। अच्छा अच्छा, नहीं तो अच्छा काम है। काम अच्छे कर करके आदत हो जाती है। ठीक है, सब अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा होटल में। अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। सो तलो किचन में आज हमने आपको बताया है मटका चीज़ी पास्ता, और आपने देखा डिफरेंट सी उसको हमने एक लुक का प्रेजेंटेशन दे दिया। टेस्ट मोज़रेला चीज़ डाली है 1 कप। सिर्फ मोज़रेला या चेडर भी है? मोज़रेला चीज़, ये चेडर चीज़ है। ठीक है जी। सो मोज़रेला डाला है और चेडर डाला है। अब इसको हम स्टीम देंगे। वो कैसे देंगे? स्टीमर में। अच्छा, अगर स्टीमर ना हो तो कुकर के अंदर डेचकी में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। कोई पानी का वो बना के और उसके ऊपर स्टैंड रख के उसके ऊपर आप रख लें और इसको ऊपर से बंद कर दें, तो इसको स्टीम में चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और वो इसके अंदर जो है उसका टेस्ट आ जाएगा। लास्ट में ये चेरी टमाटर, फ्रेश पार्सली। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने स्प्रिंकल कर दी और अब हम इसको अपने स्टीमर में रखने जा रहे हैं। आप घर में बनाते ही हैं, ख्वातीन जिनके पास ओवन नहीं होता वो केक बना लेते हैं, या वैसे भी हमने अगर कोई चीज़ मेल्ट करनी हो तो हम उसे स्टीम कर रहे होते हैं। तो आप इसे स्टीम के लिए रख देंगे। फाइव से टेन मिनट्स के लिए ये जा रहा है स्टीमर में। सो इस तरह से आप अपनी फैमिली को डिफरेंट टेस्ट और जायकों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और उसके साथ साथ तलो, जो कि कहता है कि अच्छी गिज़ा आपके बच्चे की बढ़ती उम्र में उसकी सेहत के लिए और उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इसे सोचने समझने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो इसीलिए तो कहते हैं ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है। सो तलो किचन में हमने आज बनाया है चीज़ी मटका पास्ता और फिंगर चिप्स चाट, है ना? सो आपको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसी बनी है। तो हमारा टाइम पूरा हो चुका है, 10 मिनट का स्टीम, और हम उसे निकालने लगे हैं। देखते हैं हमारा चीज़ी पास्ता मटका किस सूरत हाल में है। मटका चीज़ी पास्ता है ना? जी जी, मटका चीज़ी थोड़ा सा यम्मी। सो ये इसका आपके सामने चीज़ मेल्ट हो चुका है और कलरफुल भी है और मज़ेदार भी है और रोज़े में मुँह में पानी भी आ रहा है है ना? लेकिन आपने देखा कि उन्हीं चीज़ों को जो कि हम आम तौर पे बना रहे होते हैं, शेफ इकरा ने सिर्फ थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट किया है और उसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करके एक नई वैरायटी और एक नई चीज़ जो है वो बन गई है। आई होप कि आपको ये वेरिएशन अपने दस्तरखान पे भी अच्छी लगेगी। और जब आप इसे तलो बनस्पति में और तलो घी में बनाएंगे तो अपनी 50 साल रिसर्च की वजह से तलो जो है वो जानते हैं गज़ाइत की अहमियत को और खूबसूरत और मज़ेदार जायके को। सो आप जब इसे इंजॉय करेंगे तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको कैसा लगा है, और मज़ीद एक्सक्लूसिव और जिसे कहना चाहिए ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान, जिसमें सरीना होटल इस्लामाबाद के शेफ़ जो हैं वो आपके साथ नई नई रेसिपीज़ रोज़ाना शेयर करेंगे। थैंक यू शेफ इकरा। थैंक यू आपका। थैंक यू। सो हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। खुश
खुश आमदीद चारे रमज़ान ट्रांसमिशन में। आई होप एंड विश के पहला रोज़ा बखैर आफियत जा रहा होगा, आप हशाश बशाश होंगे। और अब तक तो जो वक्त हो चुका है, मेरा ख्याल है कि हमारे किचन के बाद आपके भी किचन में खूब एक्टिविटी और सरगर्मियाँ जो है वो जारी होंगी। लेकिन हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं किसी भी कौम की, किसी भी मज़हब की, तो वहाँ पर आ जाती है आपके एक पूरा ग्रोथ जिसमें आपका आर्ट भी है। और हमने भूल गए कि मुसलमानों का जो आर्ट है वो कितना खूबसूरत था। सो आज इस हवाले से बात करने के लिए रिफत मेरे साथ हैं। सो रिफत, हमें बताइएगा, एनलाइटन कीजिएगा इस बारे में कि जब इस्लामिक आर्ट की बात की जाती है उसमें क्या क्या कुछ शामिल है। इस्लामिक आर्ट से पहले तो यही बताना चाहूँगी कि आर्ट बेसिकली है। हाँ, मैं तो समझती हूँ, ये मैं कहूँगी कि ये मेरी एक इनफरादी सोच है, मैं मुझे नहीं मालूम कि लोग इससे कितनी इतफ़ाक़ करेंगे, कि आर्ट बेसिकली एक लताफत है, एक खूबसूरत चीज़ है जिससे किसी भी चीज़ को खूबसूरती के साथ दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब वो किसी भी चीज़ में पहना है, चाहे वो अदाकारी में है, चाहे वो शायरी में है, चाहे वो लिखने में है, चाहे वो फिर रंगों के अंदर है या मिट्टी में। बिल्कुल, तो वहाँ से जब कोई चीज़ फिर निखर के निकलती है तो हम उसको आर्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, कोई जाविया नज़र, कोई भी एंगल जिस तरह से आप ज़िंदगी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो आर्ट है। जब वो लतीफ़ हो जाए तो वो आर्ट है। जब वो लतीफ़ हो जाए, जब वो कसीफ़ हो जाए तो क्या है? मैं कैसे गुस्सा? तब वो गुस्सा, तब वो तखरीब है। अच्छा, लेकिन अब आते हैं इस्लामिक आर्ट। इस्लामिक आर्ट में क्या क्या कुछ शामिल है? अब इस्लामिक आर्ट जो था वो इस तरह से था कि जहाँ जहाँ मुसलमान गए, हाँ, तो उन्हें जाहिर सी बात है अपनी, फिर उनके जब एक मज़हब था तो मज़हब ने उनको रहने के कुछ सेट पैटर्न्स बताए थे, असूल थे। उन असूलों को नुमाया करने के लिए उनको एक ख़ास किस्म की कुछ चीज़ें दरकार थी, तो उन्होंने अपनी इमारतों में, अपने रहन सहन में वो चीज़ें जब इस्तेमाल करना शुरू की और जब उनके अंदर लताफत आना शुरू हुई तो वो आर्ट का नाम लग गया। मतलब क्या चीज़ें ख़ास हैं जिससे वो ख़ास किसी भी इमारत को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस्लामिक आर्ट को डिपेक्ट कर रही है? हाँ, उसमें ख़ास अब यही है कि इस्लामिक आर्ट के अंदर जो इमारत में खासियत है वो ये है कि उसकी आर्चेज होती हैं और गोल होती हैं। अगर हम क्रिश्चियन आर्ट को देखें तो उसकी आर्चेज होती हैं लेकिन नोकीली होती हैं, तो ये थोड़ा सा एक उसके अंदर आ जाता है कि वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। और इस तरह से फिर हम देखेंगे, जैसे कि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जायनमाज़ की ज़रूरत होती है, तो हम कालीन बाफी, बड़ा अगर हमारे मज़हब को देखा जाए तो हमारे मज़हब से सबसे ज़्यादा अटैच जो चीज़ रही वो कालीन बाफी रही, क्योंकि हमें पाक जगह चाहिए होती थी बैठने के लिए, हम उसको नमाज के लिए या फिर किसी भी विद के लिए, दुरूद के लिए इस्तेमाल करते थे, कोई भी अपनी मजहबी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा फिर हमारी मसाजिद या वो जहाँ हमने तबलीग दी, फर्शी नशिस्त चूँकि ज़्यादा होती थी, फर्शी नशिस्त तो उसमें फिर कालीन और ऐसी चीज़ें जिसमें नीचे आप बैठ सकें कम्फर्टेबली और लंबी सिटिंग्स जो हैं वो हो सकें। बिल्कुल, ऐसी कालीन बाफी और इमारतें, ये दो मेजर चीज़ें थी जिनकी वजह से ना कहा जाता है कि इस्लामिक आर्ट है। ठीक है, जिसका इम्पेक्ट नज़र आता है इस्लामिक आर्ट के ऊपर कि ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह से मतलब फिर जब उन्होंने मस्जिदें बनाई तो उन्होंने जब उनको कुशादा बनाया, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो कुशादगी का दर्ज देता है, वसीउल नज़री का दर्ज देता है, तो उन्होंने अपनी इमारतें भी इतनी ही कुशादा बनाई, जबकि बाकी अगर हम देखें कि हिंदू मत की तरफ चले जाएँ या किसी और मज़हब की तरफ चले जाएँ तो वहाँ उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो थी उनका आर्किटेक्चर फर्क है। हाँ, हमारी तरफ जो है इसमें सनलाइट, हवादार, रोशनी, इन तमाम चीज़ों का भी बड़ा एहतमाम। हाँ, और ये सारा एहतमाम जो है ये हमारे फिर रोम और ईसाई से मिला कि वहाँ से वो, क्योंकि वो हमारे मज़हब के करीब करीब के मज़ाहिब थे, तो हमने वहाँ से चीज़ें उठा के अपने मज़हब में लाई और हमने उनसे कुशादगी के इम्पैक्ट्स लाए। अच्छा, लेकिन जब हम आज भी जाते हैं अपना घर बनवाने के लिए या डिज़ाइन करवाने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस पर जाता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर, हम तो देखते हैं वो उनका घर बहुत अच्छा है तो हमें उसी तरह का एक जो है ना नक्शा या उस तरह की एक चीज़ बनानी चाहिए। सो ये कितना है और किस तरह से इन चीज़ों को जो कि हमारा इस्लामिक आर्ट है उनको हम रिवाइव कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि करना चाहिए, जिद्दत अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए, लेकिन जिद्दत के साथ साथ अगर हम अपने आर्ट को भी लेकर चलें, इनके अपने मज़हब जिसको हम कह रहे हैं कि हम इस्लामिक आर्ट उसको लेकर चलें, तो एक खूबसूरत चीज़ है। और वहाँ आपको हमेशा याद रखें कि बाहर से जितनी मर्जी जदीद इमारत है, अंदर जाके कैलीग्राफी लगी होगी, पेंटिंग्स लगाएंगे, वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फिगरेटिव वर्क हो, जानदार नजर आए, हाँ, वो नहीं लगाएंगे कि हमने नमाज पढ़नी है, और बाहर से जो मर्जी हो अंदर से सही पूरे इस्लामी ही है सारे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अंदर वो कैलीग्राफी, हाँ, लगाएंगे, जानमाज बिछी होगी, कालीन होगी, तो अंदर से सारा अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो आपको इंटीरियर सारा इस्लामिक ही नज़र आता है। ठीक है, और मुझे खुशी होती है छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें उसमें फिर मिल जाती हैं। हमारे यहाँ मोस्टली ये औरतें कर रही होती हैं, नहीं भाई कोई भी जानदार की तस्वीर नहीं लगेगी यहाँ पर ना, क्योंकि मैंने नमाज पढ़नी होती है, आपने भी नमाज, बच्चों ने भी नमाज पढ़नी होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे मज़हब के अकायद का हिस्सा है ना कि आपने इस तरह की चीज़ें जो है नहीं करनी, कहीं गलती से सहवन भी उस तरफ जो है वो सजदा ना हो जाए, उस तरफ आप क्या जो है वो रुख ना हो जाए, आपके सामने ना कोई ऐसी चीज़ आ जाए। लेकिन खूबसूरती ये थी कि कुछ आर्टिस्ट बड़े अच्छे उन्होंने काम किया कि उन्होंने जो फिगरेटिव वर्क था उसको आयात की सूरत में इजहार किया,
तो लोगों ने फ्रिगेटिव वर्क को अडॉप्ट करना शुरू किया। अदरवाइज़ तो हमारे जो इस्लामिक आर्ट था उसमें सिर्फ ये होता था कि हमने लाइनों के साथ कुछ खेल लिया, आड़ी लाइन, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, या फिर हम लोगों ने वेजिटेबल जो मोटिव्स थे उनको ऐड कर लिया या फ्लोरल मोटिव्स को ऐड कर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमारे आबाओ अजदाद ने जंगें लड़ी तो उन्हें लगा कि ये तो कहीं तो सेफ होनी चाहिए ना, कोई तो हो जो कल बता सके कि हमने इतनी फतुहात हासिल की थी। तो उसके लिए फिर आर्टिस्टों ने उनकी जंगों के मनाजर बनाए। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मज़हब में थोड़ी सी आई कि हाँ जी कल्चरली फिर हम इन चीज़ों के थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप किसी दूसरे कौम या मज़हब के साथ आपका इख्तलात होता है या वहाँ जाते हैं, देखिए ना शादियाँ हुई उसके नतीजे में डिफरेंट रेसेस आई सारे अरब से फिर मिक्स हुए सब, तो ये तो हमेशा से खूबसूरती रही है कि इंसानी मुआशरे इसी तरह से बढ़ते और फूलते हैं। रंगों का भी एक बड़ा ख़ास है, जैसे ब्लू कलर का और ब्लू एंड वाइट कलर का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, और गुंबद खजरा का चूँकि हरा रंग है सो हमें वो उसकी एक बड़ी नस्बत है, उस हरे रंग की एक बड़ी अकीदत है हमें। तो क्या कोई ख़ास रंग भी है इस्लामिक आर्ट में इसी तरह से मखसूस जैसे मैं कह रही हूँ? अच्छा सवाल है। ख़ास रंगों से ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि इस्लामिक आर्ट में शोख रंग लगाए गए, उन्होंने धीमे रंगों को नहीं इस्तेमाल किया, या वो रंग जो फीके पड़े या वो रंग जिनसे डार्कनेस का एहसास हो, इस तरह के रंग इस्लामिक आर्ट में यूज़ नहीं किए गए। हमेशा से इस्लामिक आर्ट को बड़ा कलरफुल दिखाया गया, मुख्तलिफ रंग दिखाए गए, और सबसे बड़ी नस्बत तो हमारे पास जिसको हम रंग नहीं कहते वो काला रंग जो हमारे काला काबा का रंग है। सो इस तरह से बहुत सारे ये तो है, लेकिन आप देखिए ना जैसे आप मुल्तान में चले जाएं बहाउद्दीन ज़करिया के उनके दरबार पे चले जाएं तो क्या खूबसूरत वहाँ पे हमें आर्ट नज़र आता है, रंगों का इम्तिजाज नज़र आता है। इस तरह से ये भी तो एक हमारी खूबसूरती है ना। डिफरेंट मस्जिदों में चले जाएं, महाबत खान मस्जिद देखें तो उसकी खूबसूरती देखें, उसका आर्किटेक्चर देखें, तो ये भी तो एक बड़ी कमाल चीज़ें हैं। हाँ, इसको मोस्टली आप जो उनकी बात करिए उसमें ये है कि ब्लू कलर की टाइल्स का वहाँ लगाया गया, वो इसलिए कि सेरामिक वर्क भी बड़ा ज़्यादा मशहूर हुआ इस्लामिक आर्ट के अंदर। वो इसलिए कि लोगों ने जब पेंट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा जी मिट्टी के ऊपर हम कोई अगर कैलीग्राफी करते हैं, कोई नक्श लगाते हैं, तो उसमें जब भट्टी में रंग जाता है तो नीला रंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत निकल के आता है। इसलिए ज़्यादातर पूरे दुनिया में अगर हम सेरेमिक्स की तरफ जाते हैं तो हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। तो इसलिए ब्लू कलर एज सच हमारे मज़हब से ताल्लुक़ या हमारे किसी दरबार या किसी मज़ार से ताल्लुक़ नहीं रखता, उस इलाके की चूँकि वो सकाफत थी नहीं, तो सकाफत से भी ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा। इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि वो भट्टी में पक के अच्छा निकलता है। अच्छा जी, इसलिए सारी दुनिया उसको नीले रंग को इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो आज कुछ बातें हमने शेयर की, मतलब ये शेयर करने का कि हमें अपनी हर एंगल को एम्ब्रेस करना। ये जो आप रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं उसमें आपने देखा है रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए जब सेट लगता है, क्यों उस सेट में हमें ताक्षे भी नज़र आते हैं, मेहराब भी नज़र आते हैं? इसलिए कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें रूहानी तौर पे ना थोड़ी सूदिंग एहसास देती हैं। हम जब हरम शरीफ में जाते हैं वहाँ का माहौल, और फिर जब हम हमारी कोशिश होती है हमारी मस्जिदों में भी उसी तरह का माहौल हो ताकि हमारे अंदर एक तस्कीन की, एक सुकून की कैफियत पैदा हो। मुझे अच्छी तरह से याद है क़ारी साहब जब हम गए एक दफ़ा उमरे के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ाहिर है ज़ायरीन, और उनकी अकीदत और मोहब्बत कुछ और थी। वो तो लिपट भी रहे थे खाना काबा से, तवाफ़ करते हुए रकत भी तारी थी, और वो पीठ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। वो तवाफ़ विदा कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उल्टे कदमों से वो हरम की हदूद से बाहर निकले कि कहीं उनकी पीठ ना हो जाए खाना काबा की तरफ। तो मैंने देखा कि जो सऊदी अरब के मुकीम लोग हैं वो इसको नहीं समझ सकते। तो मैं एक खातून ने कहा देखिए ना ये कितनी बिद्दत करते हैं, कितना ज़्यादा वो करते हैं। मैंने कहा बिद्दत नहीं है, इसको वो समझ सकता है जिसने पैदा होते ही सारी ज़िंदगी मुंह खाना काबा की तरफ की नियत करके तो हाथ बांध के नमाज पढ़ी हो दिन में 5 वक्त, जब उसके सामने एक दिन वो आता है वो मकाम जिसकी तरफ उसने सारी ज़िंदगी नस्लन जो है वो मुंह करके इबादत की होती है, तो उसकी आप रिक्कत और उसकी अकीदत का आप नहीं अंदाज़ा कर सकते। सो उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी ज़िंदगी में शामिल रहनी चाहिए। अच्छा जी, ज़ारा बैठी हुई हैं और हम आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उम्मे हबीबा साहिबा को और उनकी खुश रहानी को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें सलामती और ज़िंदगी दे। तो कौन सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही हैं? अब ये फ़ारसी का कलाम है, बहुत ही मशहूर और मरूफ, गुल अज़रो ख़ताम व ख़ता, और ये मेरा ख्याल है मौलाना जामी का लिखा हुआ कलाम है, और यही वो कलाम है जिसका मैं जिक्र कर रही थी शुरू में कि इस कलाम की मकबूलियत, और जब लोगों में कोई चीज़ मकबूल होती है उसका मतलब ये होता है, ये ख़ास तौर पे ये जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये वहाँ उस बारगाह में पहले मकबूल होगी फिर लोगों में मकबूल होगी, तो इसको उससे फिर भी जो है एक लिज्जत
लज़्ज़त और एक उस पे अच्छा आप तो काजी साहब समझते हैं फारसी को, तो इसका तर्जमा तो हमें बताइए कि ये जो कलाम पेश करेंगी ये फारसी का कलाम है, इसका मतलब क्या है? गल गर रू गुल अज़रु खता मु खता गुल नाज़ुक बदनी रा गुल अज़रु खता मु खता नाज़ुक बदनी रा बदनी रा फूल के साथ फूल का जो है नज़ाकत है, तो मैं वहाँ हुजूर के जो है दरबार में वो चीज़ देखी मैंने। अच्छा। जो नज़ाकत यहाँ देखी है वहाँ जो वो नज़ाकत और वो खुशबू और मैंने देखी यहाँ। बिल्कुल सही सो प्लीज़ ये पेश कीजिएगा। नाज़ुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा गुल अज़रु खता मोख्ता नाज़ुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा बुलबुल ज़तवा मोख्ता शीरी सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा बुलबुल ज़तवा मोख्ता शीरी सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा गुल अज़रु खता मोख्ता हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदल कुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदल कुफ्त हका के चे खुशकंदा अकी के यमनी रा यमनी रा यमनी रा यमनी रा हका किच खुशकंदा अकी के यमनी रा यमनी रा यमनी रा यमनी रा गुल अज़रु खता मोख्ता खैयात अज़ल दोख्ता बर कामत ज़ेबा खैयात अज़ल दोख्ता बर कामत ज़ेबा दरकद तुई जमाए सर्वे चमनी रा चमनी रा चमनी रा चमनी रा दरकद तुई जमाए सर्वे चमनी रा चमनी रा चमनी रा चमनी रा गुल अज़रु खता मुख्ता अज़्ज़ामिये बेचारा रसा नींद सलामे अज़्ज़ामिये सलामे बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी रा मदनी रा मदनी रा मदनी रा बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी रा मदनी रा मदनी रा मदनी रा
गुल खता मोखता नासुक बदनीरा 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 बुलबुल सतवा मोखता शीरी सुखनीरा 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 गुल सुरुखता मुखता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आपकी आवाज़ आ रहा। और जिनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनकी भी बहुत खुशहालहानी के साथ ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पेश की हुई है। और मुझे इसमें से वो आयत करीमा याद आ गई कि या रसूलल्लाह आप नरम हैं, अगर आप सख्त होते तो ये लोग आपसे दूर भाग जाते। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी नरमी की और उसी उन्हीं औसाफ की जो है वो तारीफ इस नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़े, एक अजीब कैफियत होती इसकी कैफियत ये, क्योंकि ना अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो। तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। और हम इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे शाहरे रमज़ान में, और फिर आपसे मुलाकात के मुंतज़िर। खुश आमदीद, शाहरे रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं एटीवी पर, जो कि सरीना होटल इस्लामाबाद के तावन से पेश की जा रही है। और अब अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों से आपको मिलवाना होता है ताकि हम सब के अंदर नेकी की तहरीक रहे ना, हमें पता चले कि हम ही सिर्फ नहीं है जो पांच नमाज़ें पूरी कर लेंगे और रोज़े रख लेंगे तो उसके बाद हम समझे हम सबसे अच्छे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो नेकी में और तकवा में और बहुत सबकत ले जाते हैं। सो उनकी तरफ देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी उनके साथ कदम मिला सकें, हम भी उसी रफ्तार से चल सकें। सो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी तंजीम मुस्लिम हैंड्स, जो कि पूरी दुनिया में काम करते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बच्चों से जुड़े हुए जितने मसाइल हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। साफ़ पानी की फरहमी हो जहाँ पे उसके लिए बहुत काम करते हैं। और अभी जो बहुत मुझे अच्छी लगी बात वो ये कि जो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का वर्ल्ड कप होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान की जो लियारी टीम है बच्चों की उसको वर्ल्ड कप में ले जाने का भी एहतमाम इन्होंने किया। सो आज हम मिलने जा रहे हैं उनसे और जानेंगे रिहान ताहिर साहब से कि मुस्लिम हैंड्स और क्या क्या कुछ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है ये जो आपने हमें खुशखबरी दी है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस का, उसमें पाकिस्तान की लियारी टीम जो है वो भी जा रही है। पाकिस्तान की टीम, हाँ, बेसिकली हमारा स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस है और इस जो SDGs के ऊपर हम बड़ा फोकस काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि गली कूचों में खेलने वाले वो बच्चे जिनको माशरे में आप धुतकार देते हैं कि यार ये गुर्बत की वजह से शायद अपने उन जो छुपे हुए जो उनके अंदर एक खासियत है हम उसको किस तरह निखारने के अंदर अपना किरदार करें, तो मुस्लिम हैंड उसका बेड़ा उठाया। और आपको ना सिर्फ ये पुराना एजाज़ जो हमारे पास था कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ जो रशिया में हुआ उसमें हमारी टीम रनर अप थी, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमने की, उनको सारा हमने मैनेज किया अपने मावरीन के तावन के साथ। और उसमें और उनके बच्चों की स्पोर्ट्स किट्स भी हैं, हर चीज़ शामिल है, उनका टिकट शामिल है उसमें, काफ़ी असाबे खैर है। क्योंकि लोग बाज़ुकात इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होते कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जहाँ पर हम आपको पता है यतीमों के लिए गरीबों के लिए मिस्कीनों और बेवाओं के लिए काम कर, लोग कहते हैं यार ये एक ऐसी एक्टिविटी है शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ पैसों का ज़िया है। लेकिन आपको पता है क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है मुस्लिम हैंड्स के थ्रू फ्रांस कैनेडा और UK में जो हमारे मावनीन हैं, तो उनकी ख्वाहिश इसरार और उनके तआवुन के साथ हमने अपने डोनर्स का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा इस काम को समझा। और आपको हैरान क्योंकि वो टीम जो लास्ट टाइम हमने भेजी थी वो तमाम टीम ने वो मुख्तलिफ इलाकों से थे, उसमें टोबा टैक्सिंग कश्मीर कराची बलोचिस्तान के बच्चे अच्छा। शामिल थे जी, लियारी के मेल ने मेनली बच्चे लियारी के थे जिसको हमने इससे पहले 2015 में उनको हम नॉर्वे लेकर गए, गोथिया कप चाइना लेकर गए, एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए तो आपको पूरे पाकिस्तान से बच्चे चाहिए होते हैं जिनको हम पहले अपने कैंप में रखते हैं, अपने कैंप के जरिए उसको सिलेक्ट करते हैं, वो 100 का स्क्वाड में से फाइनल होते होते ये 11 और 7 असाइड के जो मैचेस होते हैं उसके लिए फिर हम इनको सिलेक्ट करते हैं। इस दफ़ा जो टीम तैयार कर रहे हैं ये भी इसी तरह पूरे पाकिस्तान के तमाम रंग हैं, तमाम सूबों के लोग बच्चे इसमें शामिल हैं और इनको मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो हमारा कैंप है वहाँ पर रखा गया है। और आस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हमने इस्टेब्लिश किया है फ्री फॉर
ऑल यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस जहाँ पर आके ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। एक गरीब बच्चा अगर वो अच्छा फुटबॉलर है, अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो हमारी अकेडमी के थ्रू, और क्रिकेट में भी हमारी जो क्रिकेट अकेडमी है उसके थ्रू भी हम काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बुनियादी हमारा, ये वही बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एक शख्स मांगने के लिए, तो आपने कहा तुम्हारे पास कुछ है, तो उसने कहा जी मेरे पास तो ये प्याला है और कंबल है, तो आपने कहा कि जाकर तो बेचो और दस्ता वो कुल्हाड़ी लेकर आओ, तो कुल्हाड़ी वो लेकर आया और आपने दस्ता अपने हाथों से नस्ब करके कहा कि जाओ और जाके अब मेहनत करो। सो अगर आप किसी भी बंदे को स्किल दे देते हैं, और एक बच्चों को ख़ास तौर पे, जो जो गदागरी ना करते फिरें, मांगते ना रहें, बल्कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी, अपने मुआशरे इर्द गिर्द के लोगों की कितनी ज़िंदगी बेहतर हो जाती होगी। अच्छा, ये तो एक काम हो गया, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे अहम काम हैं? बुनियादी तौर पर आपको अर्ज़ करूँ कि यतीम बच्चे की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऐसे तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं, कि जब वालिद या वालदा का जो साया है सर से उठ जाए। तो हमारा बुनियादी तौर पर जो असल काम है वो तालीम की फरहमी है, मियारी तालीम की फरहमी उन यतामा गुरबा और मसाकीन के लिए, कि जो अपने बच्चों को मियारी तालीम, जो बच्चे जो भी आसरा हैं उनको हम बोर्डिंग स्कूल के ज़रिए पाकिस्तान में कायम 300 से ज़ायद स्कूल्स के ज़रिए, और ये तादाद इस वक्त 52,000 से ज़ायद है, जिनमें उनको मियारी तालीम, उनकी किट, उनको अच्छी एजुकेशन, उनको दोपहर का जो खाना है वो फराहम किया जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में सिलेक्टेड हमारे एरियाज़ हैं जो डिज़र्विंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो सिंध के अंदर बदीन डिस्ट्रिक्ट को हमने टारगेट किया हुआ है। अगर पंजाब की बात की जाए तो गवर्नमेंट के इस वक्त 126 से ज़ायद सरकारी स्कूल हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, हमारे अपने स्कूल्स भी शामिल हैं, मुजफ्फराबाद हो, वज़ीराबाद हो, काला शाह काकू हो, कश्मीर के एरियाज़ बाग, रावला कोट की बात की जाए, कोयटा बलोचिस्तान की बात की जाए, पेशावर की बात की जाए, तो फैसलाबाद की बात की जाए, टोबा टेक्सिंग की बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप मौजूद है जो हमारी टीम के जरिए हम उनको मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि उनकी तरबियत भी की जाए। वो बच्चा जो माशरे में देखें तुतकार दिया जाता है, जिसको शायद उतने एटिकेट्स और एथिक्स के ऊपर उसके ऊपर तवज्जो ना दी गई हो, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा इंसान बने। इज्जत नफ्स बहाल कर देते हैं ना किसी शख्स की, और खासतौर पे बच्चे की जी। जो कि हमारा मजहब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इस बात की अक्कास है कि इज्जत नफ्स अगर किसी की बहाल हो जाती है तो वो शख्स खुद ब खुद नेकी की तरफ रागिब होता है और बेहतरी की तरफ जो है उसका सफर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये भी हो गया। पानी के, साफ पानी की फराहमी के लिए भी बहुत काम करते हैं आप लोग। एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि मेरा तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं इसके ऊपर हमेशा लगा रहता हूँ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी और लोगों को भी मोटिवेट करूँ कि खास तौर पर हम इस वक्त, जिस वक्त हम 2020 की बात करते तो कहते थे कि इसके बाद का जो ईरा शुरू होगा वो दुनिया में अगर कोई जंग होगी तो पानी के ऊपर होगी। पानी नापैद होता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द, हम इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो बहुत नीचे चला जा चुका है। अगर आप पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात करें, टूटी में साफ पानी नहीं मिलता। तो साफ पानी की फराहमी एक बुनियादी हक है। इसमें हमारे पास जो इस वक्त ऑपरेशन पर जो हम काम कर रहे हैं, एक तो हम डोमेस्टिक वेल लगाते हैं, डोमेस्टिक नलका लगाते हैं। एक बेवा औरत, एक गरीब औरत जो पानी भरने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, उसको माशरे के बहुत सारे मसाइल का शिकार होती है, तो उसके घर के अंदर हम उसको पानी की सहूलत फ्राहम करते हैं। दूसरा, सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके जहाँ पर आपको पता है ना बिजली है ना कुछ है, तो वहाँ पर हम वाटर वेल लगा के देते हैं सोलर के ज़रिए, वहाँ पर कुएँ खुदवा कर उसके ज़रिए, ताकि वो पानी निकाल सकें। और वो बहुत डीप वेल्स हैं जिनके ज़रिए उनको साफ़ पानी फ्राहम किया जाता है। फिर कराची में अगर आप कराची से सिंध की जानब अगर आप रवाना हो जाए तो कोस्टल एरियाज़ में जो पानी के आर ओ प्लांट्स लगाए, जो खारा पानी को मीठा करते हैं, वो हम पाकिस्तान नेवी के तावन के साथ उनकी साथ मिलकर जो निशानदेही करते हैं, वहाँ पर हम साफ पानी फराहम कर रहे हैं। कश्मीर की अगर आप बात की जाए तो इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और दीगर इलाकों में साफ पानी की सबसे ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, मोर देन 47 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने मीरपुर आज़ाद कश्मीर की हल्के में लगाए हैं, जहाँ पर ज़रूरत भी है, जहाँ पर हमारे जो असहाबे खैर जो खिदमत का काम करते हैं उनकी ख्वाहिश में भी होता है। और अभी झेलम के अंदर रिसेंटली अभी आबे पाक जो पंजाब की एक अथॉरिटी है, गवर्नर पंजाब साहब की इंस्ट्रक्शन के साथ हम उस टीम का हिस्सा भी हैं, वो और हम मिलकर पंजाब में खास तौर पर साफ पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। इस तरह के दीगर प्रोजेक्ट भी हमारे आदाफ में शामिल हैं। बिल्कुल, और रमजान मुबारक, और हमें याद रहे कि पानी ज़ाया नहीं करो, भले तुम दरिया के किनारे भी बैठे हुए हो। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वजू करते देखा और वो वजू कर रहे थे और दरिया के किनारे बैठे हुए थे, तो आपने तंबीह की कि पानी ज़ाया नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहता दरिया है, बहुत सा पानी है। तो आपने कहा कि फिर भी
पानी जो है उसको ज़ाया नहीं करो। सो इतना हमें क्लियर हुक्म है और फिर भी हम लोग जो हैं बोर तो करवा लेते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ धो रहे हैं और खुले हुए नलके हैं। सो जैसे अभी बता रहे हैं रेहान साहब के मुस्लिम हैंड्स उन इलाकों में पानी मुहैया करने की कोशिश करिए, लेकिन ज़ेर ज़मीन अगर पानी कम होता जाएगा तो उसका क्या हल है सिवाय इसके कि हम एहतियात करें पानी के इस्तेमाल में। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को, लेकिन क़ारी साहब अब जबकि माह रमज़ान मुबारक है और नज़ूल कुरान की नस्बत है इसको, सो मैं जानना चाहूँगी एक जो चीज़ मेरे जहन में आती है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नूर भी कहा है कि ये एक नूर है जो कि चिराग में है और वो चिराग फानूस में है, ऐसी तमासील भी दी हैं, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये एक ऐसी शब कदर में नाजिल हुआ जिसमें इबादत हज़ार महीने के बराबर है। तो कुरान है क्या, कुरान की हैयत क्या है, ये कोई नूर है, ये कोई अल्फाज है, ये कोई टेन कमांडमेंट्स की तरह कोई तख्तियां हैं जो लोहे महफूज से आई हैं, ये क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि कुरान मजीद जो है ये मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला के ने इसको तख्लीक नहीं फरमाई, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने कुन लफ्ज़ के साथ उसकी तामीर फरमाई, तख्लीक फरमाई, लेकिन कुरान करीम के लिए ये लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि एक लफ्ज़ आता है हमारे अकायद में, उसका वो लफ्ज़ है कदीम। कदीम का मतलब जो उर्दू में हम लेते हैं वो नहीं है पुराना, ये नहीं, कदीम ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, इसका मतलब है जिस पर मौत ना आए, जो हमेशा हो, हमेशा से हो, हमेशा के लिए हो, और उसके वजूद में कोई कमी बेशी ना आए। ठीक, तो ये लफ्ज़ अकायद में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा चूँकि कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफत है, ये तख्लीक नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला की सिफत है, इसलिए अल्लाह ताला चूँकि कदीम है उस पर मौत नहीं है, उसके लिए बका ही बका है जी। तो लिहाजा कुरान करीम चूँकि अल्लाह ताला की सिफत है, इस हवाले से कुरान मजीद भी कदीम है, ठीक, और ये तख्लीक के ज़ुमरे में नहीं आता, खल्क के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला के वजूद जो है अल्लाह ताला के जो है जो 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 ज़ात है वो चूँकि कदीम है, लिहाजा उसकी सिफत भी, ये कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफत है, उसने उसको पढ़ा है। तो और मैं कभी आपसे अपने जो है तलबा से पूछता हूँ कि बताओ कुरान करीम का सबसे पहला कारी कौन है, तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, खुद मैं कहता हूँ अल्लाह ताला खुद उसका पहला कारी है, अल्लाह तो इसके बुलंदी के लिए, शरीफत के लिए अल्लाह ताला खुद, और दलील क्या है कि फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान को पढ़ चुका हूँ, मैंने कुरान जो है पढ़ लिया है, लिहाजा मेरी मुताअत मुझे फॉलो करते हुए मेरी मुताबियात में कुरान करीम को पढ़ लीजिए। ठीक, तो कुरान करीम का सबसे पहला कारी है, और इसको जिस तरह अल्लाह ताला को फना नहीं है, अल्लाह ताला को बका ही बका है, कुरान करीम को भी बका है। ठीक है, कुरान अच्छा ये बका का जो है ना ये वादा भी है अल्लाह ताला का कि ये हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ये इतना बड़ा वादा है अल्लाह ताला का। सही है। इसके बारे में फरमाइएगा कि ये वादा जो है ये अब हम 14वीं सदी में तो हम भी मौजूद हैं, हम 15वीं बल्कि अब तो कहना चाहिए कि हम मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि कुरान पाक में तहरीफ नहीं हो सकती, इसकी वजाहत फरमाइए कि ये हिफाजत का इंतज़ाम क्या? देखिए कुरान करीम ने दो सफ़र तय किए हैं, कुरान करीम में ने दो सफ़र, और इसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले लौह महफूज में रखा। लौह महफूज क्या है? वो एक तख्ती है, इसमें अल्लाह ताला के तमाम मनसूबों का यानी बद ए कायनात से लेकर क़यामत तक उनके मनसूबों का वो एक रिकॉर्ड है, उसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को भी रखा है, और कुरान करीम को इसलिए कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले लौह महफूज में रखा, लौह महफूज में रखा, और लौह महफूज में जब रखा तो अल्लाह ताला ने फिर इसकी हिफाजत भी की ज़िम्मा भी ली, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो लिहाजा यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने कुल किताबें 315 नाजिल फरमाई, 315 किताबें, और उनमें तमाम के तमाम माइनस करके कुरान को तमाम जो किताबें हैं वो ज़मीन पर उतारी गई और लिख कर भेजी गई। ठीक है, अच्छा, लिख कर भेजी गई तमाम के तमाम 314, लेकिन उसका जो है वो ज़मीन पर उतारी गई, तख्तियों पर आती रही,
और तरीका यह होता था कि वो फरिश्ता जो एक पैगाम लाने वाला वो लाता था, लाने के बाद जिस पैगंबर के नाम हो, जिस बस्ती के पैगंबर के नाम हो, जिस शहर के हो, जिस मुल्क के हो, तो पहले पैगंबर ऐसे होते थे, आलमगीर नहीं थे वो सिवाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनको इल्का करते कि अल्लाह ताला की किताब फलान जगह रखी हुई है, उसको उठा लो, अपनी उम्मत को सुना दो। हाँ, और हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तलब किया गया 40 दिनों 40 रातों के लिए, फिर उसके बाद उन्हें तो ये ऐसा करके उनको अल्लाह ताला ने, लेकिन जब कुरान की बारी आई अल्लाह ताला ने किताबी शक्ल में नाज़िल नहीं फरमाया, इसको किताबी शक्ल में नहीं उतारा, बल्कि अल्लाह ताला ने पढ़ा, अल्लाह ताला ने इसको पढ़ा, जिब्रील ने सुना, जिब्रील ने पढ़ा, हुजूर ने सुना, हुजूर ने पढ़ा, अपने शागिर्दों को सहाबा को सुनाया, सुनाने के बाद फिर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इसको मुझे सुनाओ, फिर क्या तुम पढ़ा, तो ये सऊती अंदाज में नाजिल हुआ है। अच्छा। सऊती अंदाज में, ठीक। और एक बात यह है कि जितने भी जो कौमें थी किताबें मिली थी उनको जिम्मेदारी उनके सपुर्द की, तुम हिफाजत करो, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद ली कि मैं इस नाजिल करने वाला हूँ और जो है इसको जो है मैं हिफाजत करने वाला हूँ। हाँ, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत, तो फिर ये इसमें दो 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 इसके सफर हैं, पहला सफर लहे महफूज से लेकर बैतुल इज्जत तक और दूसरा बैतुल इज्जत से लेकर जमीन तक। अब लहे महफूज जो है वो तो पता लग गया कि भाई ये वो क्या चीज़ है, तख्ती है एक, उसमें अल्लाह ताला के मनसूबों का रिकॉर्ड है, वहाँ भी कुरान भी है। बैतुल इज्जत जो है हमारे जो पहले आसमान है सात आसमानों में से, ज़मीन के आसमान है, इस पर एक एक मकाम है, हमें मालूम नहीं वो, उसको अल्लाह ताला ने बैतुल इज्जत कहा, उसमें कुरान करीम को रखा गया, और ऊपर से जो लफ महफूज से जो नीचे आया बैतुल इज्जत तक वो सिर्फ एक बार ही आया, बैक वक्त आया, लेकिन बैतुल इज्जत से लेकर ज़मीन तक हुजूर के कलब तक जो नाजिल हुआ वो 22 साल, ये हमारे मुफस्सिरीन मुहक्किन कहते हैं 23 साल, नहीं ऐसा नहीं है, 22 साल जो एग्जैक्ट उसका फिगर है, 22 साल 6 महीने और 13 दिन जो है ये इसमें मुकम्मल हो गया। 23 साल तो पूरे आप मबूस रहे हैं, आपकी जो नबूवत है उसका। अच्छा, आपने वो जिक्र कर दिया खुद ही, वरतलल कुराना तरतीला, हमने इस कुरान को तरतीबवार तरतील के साथ, वक्फे वक्फे के साथ जो है ठहर ठहर के नाजिल किया, ये एक बात हो गई। और एक तरफ हमें पता चलता है कि सूरतुल कद्र के ये वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया और इसकी इबादत 1000 महीने की इबादत के बराबर। सो कुरान तो अगर तरतील के साथ नाजिल हुआ है तो फिर सूरतुल कद्र में जो अजमत बयान की जा रही है उस रात की, वो फजीलत जो है उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। सिलसिला यूँ है कि तरतील एक तरतील से पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, चूँकि ये आवाज़ के अंदाज़ में नाजिल हुआ है पढ़ने का, तो तरतील के बारे में हमारे जो मुतरजमीन हैं बरसग़ीर के वो कहा कहते हैं कुरान करीम को ठहर ठहर के पढ़ा करो, लेकिन जब अहले बैत की तरफ हम रुजू करते हैं तो सैयदना अली करम अल्लाह वजह सवाल किया गया कि आप अली हमें फरमाइए बताइए कि ये तरतील क्या चीज़ है, तो जनाब अली ने फरमाया कि अत्तरतील हुवा तजवीदुल हुरूफ़ी व मारिफतिल वकूफ़, तरतील का मफहूम यह है अल्लाह की मशियत में, मफहूम यह है कि कुरान करीम को हुरूफ को आज़ाए सौत, आज़ाए सौत से मतलब यह है कि फेफड़ों से लेकर नाक के बाँसें तक, ये जो दांत हैं, गला है, मुंह है, तालू है और ज़ुबान है, ज़ुबान के 8 हिस्से हैं इस तरफ है और दांत हैं या दाढ़ हैं, तो ज़ुबान को किस कहाँ लगाओगे तो हरफ, तो इसका मतलब ये तजवीद है, यानी मुखारिज की पूरी कैफियत दी गई खूबसूरती के साथ अदा किया, उसको हरूफ को जो है तजवीद के साथ अदा करो, और जहाँ कुरान करीम के अल्फाज हैं कलिमात हैं कहाँ ठहरना है तुमने, कहाँ पास देना है उनको समझो, ठीक है। तो फिर वो जो हम सूरतुल कद्र पढ़ते हैं कि क्या, और उसे हम यही समझते हैं कि ये वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, तो जैसे आपने खुद बताया कि बैतुल इज़्ज़ा से जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो वो तो वक्फों में हुआ है, तो फिर इस रात की जो फजीलत है इसमें क्या कुरान पाक मुकम्मल हुआ? ये उतारने की जो है दो हिस्से हैं, एक नुज़ूल आम है, एक नुज़ूल ख़ास है, और कहा गया कि रमज़ान शरीफ में उतारा गया, तो जो है इनसे जब तत्बीक होता है कि अहादीस में कोई अगर कोई ऐसे अल्फाज हों डिफरेंट हो अल्फाज उनके तो उनमें तत्बीक क्या हो सकती है, सब पर अमल हो सकती है, तो लिहाजा नुज़ूल आम और नुज़ूल ख़ास, ये नुज़ूल आम है और आम तो वहाँ से जो आया 23-22 साल में ये नुज़ूल आम है और ये नुज़ूल ख़ास है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने, और फिर इसके बारे में एक काफ़ी वाक़िया है, हुज़ूर ने फरमाया कि एक था एक सैयदना
موسیٰ کے زمانے میں اسرائیل کے سیریل میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آدمی تھا وہ اتنا جو ہے صائم الدہر تھا, تو نمازیں پڑھتا ہمیشہ, اور اس کی عمر جو ہے تو کہ 1000 سال عمر تھی اس کی. تو اس نے پھر اس جب یہ فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو قرآن کریم, کیونکہ صحابی غمزدہ ہو گئے کہ ہم کیسے میچ کر سکتے ہیں اتنی عبادت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم وہ چیز دیتا ہوں تمہیں, تم اس کو جو ہے کرو, اس کو ایک میں اس کو فالو کرو, اس کو حاصل کرو, تو یہ جو ہے 1000 سالوں سے جو ہے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, جو ہے واقعہ اس کے بارے ٹھیک ہے. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا سے ہم لوگ واقف ہیں کہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے وقف کیا ہوا تھا خود کو, جو قرآن نازل ہوتا تھا اسے یاد کرتے تھے, اس کو لکھتے تھے, اسے محفوظ کرتے تھے. کاتبین وحی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا تعداد ہے اور قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا گیا. جی ہاں, تاریخ میں جو ہے ہمارے جو مورخین ہیں, ہمارے جو سیرت نگار ہیں, انہوں نے کتاب وحی کی جو تعداد ہے وہ 42 لکھی ہے. 42 ہوتا یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بعض کو صرف قرآن کریم کے وحی کو لکھنے کے لیے متعین کیا تھا, وہ خاص تھے, اور بعض ایسے تھے کہ جو اس وقت زمانے کے جو رؤساء تھے, بادشاہ تھے, اور جو قبائل کے سردار تھے ان کی طرف لکھا کرتے, بعض اس پر ایسے تو وہ جو ہے کیا تھے متعین تھے, اور بعض ایسے تھے کہ حضور کے جو چیزیں ہوتی تھیں گھر کی یا جو ہے جہاد کی, ان کا جو ہے وہ رکھتے تھے, حساب کتاب رکھتے تھے. تو جب قرآن کوئی نازل ہوتا تھا تو حضور ان کو بلاتے, یہ خاص لوگ اگر نہ ہوتے, لکھتے سب تھے, یہ خاص جو متعین تھے وحی کی کتابت کے لیے, اگر یہ نہیں ہوتے تو حضور اسی وقت دا ٹائم کوئی بھی موجود ہوتا اس کو بلاتے, بلانے کو لکھتے. لیکن یہ بات کہا جاتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد قرآن لکھا گیا, بالکل غلط ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر قرآن لکھا گیا تھا, مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سے لے کر والناس کے سین تک مکمل لکھا گیا تھا, لیکن منتشر تھا. ٹھیک, کہ اس وقت جو ہے چونکہ کاغذ اویلیبل نہیں تھے آسانی کے ساتھ, جی, کھجور کی چھال پر, ہڈی پر, چمڑے پر, جی, معلوم ہے, تو اس پر لکھا گیا تھا. ہوا یہ کہ جناب رسالت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسند پر آئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمانے میں ایک جنگ ہوئی, اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. ماشاء اللہ, جو جنگ یمامہ ہے اس میں جو ہے تقریباً کوئی ایک روایت کے مطابق 70 حفاظ اور غلام اس وقت ان کے سینوں میں تھے, صرف حفاظ کے, حافظات کے, اور جو ہے وہ چھوٹوں کے, بڑوں کے, تو وہ ان کے تقریباً 70 یا 700 ایک روایت کے مطابق جب وہ جو ہے شہید ہو گئے, تو جناب عمر کو سب سے پہلے یہ خبر پہنچی, تو وہ آئے جناب سیدنا بکر سامنے آئے, آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, تو ہم اس کو یکجا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جناب سیدنا بکر نے کہا کہ میں کیسا اس کو کروں جب حضور نے نہیں کیا, تو پھر بار بار ان کا اصرار ہوا وہ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح جناب جب وہ پھر راضی ہو گئے تو پھر ایک کمیٹی اعلیٰ درجے کی جو ہے اختیارات کی کمیٹی بنائی گئی, اس کا جو تھا سربراہ وہ زید بن ثابت تھے, اور اس کی کمیٹی بنائی گئی, اس طرح پھر اس کو یکجا کیا گیا. یہ جو کہانی جو قصہ بہت طویل ہے, اس میں پھر اس کو یکجا کیا گیا, تو پھر اس پر تقریباً کوئی 125,000 صحابہ کا اجتماع ہوا کہ آئندہ جو ہے اس کے مطابق لکھنا ضروری ہے, اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے, اس کے خلاف لکھنا جو ہے حرام ہے, اس کے خلاف پڑھنا حرام ہے. تو اس وقت تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل لکھا گیا تھا, بعد میں یکجا جو ہے سیدنا ابوبکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور پھر ایک دفعہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا, جب اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اور بہت سارے جو ہیں اس کی وجہ سے اختلافات جو ہیں پیدا ہو رہے تھے, تو ایک نسخہ جو ہے اس کو سند کیا گیا اور اسی کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. ہاں, اس میں تاریخ میں ہے کہ ایک قول کے مطابق وہ اصل میں یکجا نہیں تھا ان کا, ان قراءات پر جمع کیا تھا, قراءات پر. تو عثمان غنی جو ہے وہ قراءات کو جمع کرنے والے تھے. مثال کے طور پر حضور سے ایک بعض الفاظ ایسے ہیں جو مختلف طرز میں پڑھے گئے ہیں. مثال کے طور پر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم, یہ حضور سے ثابت ہیں تواتر روایت کے ساتھ, کیونکہ اس میں تو وہاں جنگ ہوئی تھی, وہاں جو آپ نے آذربائیجان, اس میں جو ہے پھر وہ کچھ صبح کی نماز میں کچھ اختلافات ہوئے, وہ صاحب صحابی جو ہے پڑھ رہے تھے الرحمن الرحیم مالکی, تو وہ یہ سنا تھا حضور سے مالکی, تو یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا اس کو ابھی ٹھہر جاؤ, ہم جب چلتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس وہاں ڈیسائڈ کر لیں گے. تو اس طرح انہوں نے جو ہے عثمان جو ہے قراءت پر جمع کرنے والے ہیں, اور پھر اس زمانے میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 5
या छः या सात कुरान लिखे गए थे, एक को नुस्खे को अपने पास रखा था जनाब से जनाब उस्मान ने, और बाकी को उस वक्त के जो जो थे जो मराकिस थे उनको भेजे गए थे। बिल्कुल, और वही नुस्खा था जिसकी आप तिलावत फरमा रहे थे जब आपकी शहादत हुई है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका, बहुत शुक्रिया रेहान साहब, कारी खैर जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो लोग शामिल होना चाहें मुस्लिम हैंड्स के लिए, सो आज इस प्रोग्राम में मधु करने का और बातचीत करने का मकसद भी यही था कि नेकी का सिलसिला जारी और सारी रहे। आपका शुक्रिया, शहर रमज़ान में आप शामिल हुए, इफ्तार का वक्त बिल्कुल आन पहुँचा है, सो आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। दुआओं में भी मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और जाते जाते ज़ारा मैं चाहूँगी कि हम जो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उम्मे हबीबा साहिबा को, तो आपकी खूबसूरत नात के साथ उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपनी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करें। ज़रूर, ये भी उम्मे हबीबा जी का पढ़ा हुआ बहुत मारूफ कलाम है, आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र करूँगी। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल पे मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा ना करूं जान यार रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान यार रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान यार रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान यार रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, ले जाऊं अपने साथ में ईमान यार रसूल, ले जाऊं अपने साथ में ईमान यार रसूल, काफी है वसीला शिफात के वास्ते, काफी है वसीला शिफात के वास्ते, आसी तो हूँ मगर हूँ पशेमान यार रसूल, आसी तो हूँ मगर हूँ पशेमान यार रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान यार रसूल, मुश्किल कुशा है आप अमीर आपका गुलाम, मुश्किल
कुशा है आप अमीर, आपका गुलाम। अब इसकी मुश्किल भी हो आसान, या रसूल तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान। या रसूल बन आए मेरे दिल के भी अरमान, या रसूल।